हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेल, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिवीजन फॉर सी इंटर नवंबर 21 इनकम टैक्स। एज यू नो, द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स इज सो 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 वास्ट, इट्स लाइक अ ओशन। एंड एज वी नो, we are appearing for November 21 exam. The previous year applicable is 2021 AY21 22, barabar hai ki nahi? And lots of amendment have been made by the Finance Act, so we should be very sure ki hame wo sab amendments cover karne hain. Well, during the course of our learning and teaching, we have already covered the whole syllabus. Not only that, we have also given you a practice homework book plus self-practice suggested book. Suggested book covers topic-wise questions from past exams. I hope you have solved many questions from the same. तो अब और आगे बढ़ने के लिए हो जाओ तैयार। बोलो ओके। ओके। तो what is going to be our strategy? Well, as you know, we have to cover the whole lot of syllabus of, in fact, the whole syllabus of income tax, which we will be doing in these 5 days, non-stop. And if the timetable is already shared with you, it is going to be 6 to 9 p.m. daily, and the topic-wise schedule has also been given to you. Today we are basically covering topic salaries and house property, followed by test on the next day, which you know very well. Test is of 1 hour. Khali jo last exam hai wo 2 hours ka hoga. Wo galti se 1 hour likha hai. Wo 2 hours ka hoga. Full paper. बाकी ऑल टेस्ट आर गोइंग टू बी ऑफ 1 hour. पेपर आई हैव ऑलरेडी सेट फॉर टुमारो, बट आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द फाइल नाउ. व्हेन यू विल अपियर फॉर द एग्जाम, दैट टाइम आई विल शेयर द फाइल क्वेश्चन पेपर, एंड आफ्टर द एग्जाम टाइम आई विल ऑल्सो शेयर द आंसर पेपर. आई और मैडम विल शेयर द आंसर पेपर ऑल्सो द सोल्यूशन. दैट्स द स्ट्रैटेजी एज फार एज the tax revision is concerned. I am also sharing, or I have already shared with you, 2 worksheets, or you can say 2 files. One is a summary revision theory file and another is past papers file, past paper file. The revision theory summary file covers the revision short and sweet as per, you know, assessment year 21-22. The problem file contains all CENTER papers from 2017 to January 21, जो अभी कुछ महीनों पहले एग्जाम हुआ. They are all amended as per the relevant assessment year 21-22. Okay, तो ये हो गई बात. तो चलो आगे बढ़ने के लिए हो जाओ तैयार. Are you ready? बोलो यस. ओके, दिस इज ऑल्सो गोइंग लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब. तो यूट्यूब पर भी ये लाइव है. रिलायबल अगर टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो वहां मिल जाएगा, एंड बाद में यूट्यूब पर हम इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे. तो यूट्यूब पे भी रहेगा, एडप्लाई पे भी रहेगा. जो हमारे अभी करंट स्टूडेंट हैं उनके लिए एडप्लाई पे है. जो अगर पहले के हैं या तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं या पूरी दुनिया है जो इनकम टैक्स रिवाइज करना चाहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट में, तो रिलायबल क्लासेस पेश कर रहा है इनकम टैक्स रिवीजन लेक्चर. तो इफ यू आर रेडी यू विल से ओके. बोलो ओके. ओके, तो लेट अस स्टार्ट द गेम. हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? वेल, यू नो वी हैव इन आवर क्लासरूम covered all the topics definitely, and we also made a very good pyari si
बहुत ही नन्नी सी, बहुत ही बेहतरीन दुल्हन जैसी नोटबुक। तो आपको साथ में नोटबुक भी लेकर चलना है, क्योंकि उसमें वो ऑर्डर में जो हमने पढ़ा है, साथ में आपके लिए मैंने ये रिवीजन शीट भी बनाया है, यहाँ से भी हम देखते रह सकते हैं। और फिर उसके बाद हम पेपर की फाइल में जाएंगे, वो मैं शेयर कर लूंगा जब पेपर की फाइल आएगी, एंड सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हम करेंगे। सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स बिकॉज मेनी प्रॉब्लम्स तो वैसे हमने बुक में कवर कर लिए हैं अपने क्लासेस की, कुछ प्रॉब्लम्स या बहुत प्रॉब्लम्स हमने आरटीपी में भी कवर कर लिया है, और कुछ हम और करेंगे जिसका प्लानिंग मैंने कर लिया है कि कौन से प्रॉब्लम्स हमें कवर करने हैं आज के, क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, तो उस टाइम में उतना काम हमको करना है और जो आराम से होता है। दैट्स व्हाई वी हैव फुल 3 आवर्स फॉर द टॉपिक सैलरी एंड एचपी। ओके गाइस, लेट्स बिगिन देन। आई बिलीव दैट दीज टू टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, डोंट फॉरगेट दिस इज अ रिविजन लेक्चर। सो आई एक्सपेक्ट के एनी वन ऑफ यू हु इज अटेंडिंग दिस लेक्चर, you may be from any part of India, any part of the world, if you are appearing for CA exams, which is held by the Institute of Chartered Accountants of India, then you have studied your salary and house property topic, that is for today. And on the basis of the theory that you have done, you will be able to solve the questions. That is why always I say, theory must, to problem zabardast. Concept clear, no fear, oh dear, happy new year. So your theory has to be very, very perfect. We have done in our classes in detail the theory, the problems. Not only that, we have also shared with you the revision, not revision, sorry, RTPs and suggested book which was printed and distributed to you, and also homework problems addition. In other words, I can say approximately in each topic we have covered more than, including the homework and the suggested, 30 to 40 problems per topic at an average. I can say the class workbook, the homework book and the suggested book. Is it fine? Very good. So let us start with income from house property first. ये एक छोटा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, सिंपल अगर बराबर पढ़े तो, एंड फट फट अपना काम हो जाएगा। इन द एग्जाम इफ यू सी द पास्ट पेपर्स, आई हैव सीन ऑल द पास्ट पेपर्स एंड अकॉर्डिंगली आई हैव अपडेटेड द प्रॉब्लम फाइल व्हिच आई विल बी शेयरिंग ऑन स्क्रीन ऑल्सो, एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट विद आवर स्टूडेंट्स, एंड ऑन स्क्रीन इट विल अपियर फॉर अदर पीपल। तो आप अगर ये देखें तो पास्ट पेपर्स में हाउस प्रॉपर्टी का बेसिकली एक क्वेश्चन तो नजर आता ही है, या तो मोस्टली अलग से एक क्वेश्चन आएगा, और टोटल इनकम में तो आएगा ही आएगा। सो मोस्टली हाउस प्रॉपर्टी इज अ टॉपिक विच इज मोस्टली आस्क्ड इन एवरी अटेम्प्ट। इफ यू सी द पास्ट सीए इंटर पेपर्स फ्रॉम 2017, जहां से सीए इंटर स्टार्ट हो गया है, से लेकर अब तक, so house property is a scoring topic and you have to be perfect in that. I will also request you, jo hamare level class ke student hai, to keep their notebooks also open. See, I have all the book by heart, mujhe problem nahi hai ki kaun sa type ka humne kiya tha, kya kiya tha, because I want you to have a go through over that also. It will also help the other students, kyunki jo main bolunga wo aap agar barabar se sunenge, और यहाँ प्रिंट भी हमने किया है साथ में शॉर्ट में, तो आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। तो जो अब करेंटली हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, और बाकी जो हमारे दोस्त हैं वो हमारी बातों को अच्छी तरह ध्यान से सुनेंगे। सो इन रिलायबल क्लासेस एज वी नो इनकम टैक्स और इनफैक्ट एनी सब्जेक्ट वी हैव डन इन डिटेल एंड हियर वी स्टार्ट। हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 to 27। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में चार्जिंग सेक्शन 22 कहता है कि इस हेड में हम रेंटल इनकम लेंगे, और रेंटल इनकम कब लेंगे, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। आई विल ऑल्सो लाइक ऑनलाइन स्टूडेंट जो अटेंड कर रही है लेक्चर टू गिव मी आंसर्स लाइव, यू कैन गिव योर आंसर्स इन चैट बॉक्स। देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी एंड असेसी मस्ट बी द ओनर। हाउस प्रॉपर्टी चार दीवार और एक छत, ओनर, ओनर इंक्लूड्स लीगल ओनर एज वेल एज डीम्ड ओनर, जो सेक्शन 27 में अलग से आता है।
जब ये दो शर्तें पूरी होती है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम आने का सवाल होता है या इस हेड में हम जाते हैं। आप अपने नोटबुक्स के साथ पेज टर्न कर सकते हैं, फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज पे आएंगे। मुझे पूरी नोटबुक बायट है बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड वी हैव प्रिपेयर्ड इट इन अ सच अ पैटर्न कि वो पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो कहां अटकने का सवाल ही नहीं है। क्यों वसुधा, राइट? ओके, तो मिस्टर मोहम्मद लेट अस कंटिन्यू। चार्ट हमने बनाया था टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एलओपी, एसओपी, एसओपी आर, एसओपी बी। एलओपी का जो अंजाम है वो टैक्सेबल है, एसओपी भी इग्नोर है। रिमेंबर दिस इज अ रिवीजन लेक्चर, तो यू हैव डन इट एंड जस्ट रिफ्रेशिंग इन योर ब्रेन, यू नो कि हाँ भाई ये पढ़ा हुआ है। तो आप इंडिया के कोई भी पार्ट से हो, आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको ये रिवीजन बहुत काम आएगा। एसओपी भी इग्नोर हो जाता है क्योंकि बिजनेस के लिए। एसओपी आर, दो एसओपी आर तक माफ है, लॉ में अमेंडमेंट आया था कुछ साल पहले ही, लास्ट ईयर, और उससे ज्यादा अगर एसओपी आर होगी तो वो टैक्सेबल होगी एज डीएलओपी। मैं सवाल पूछता हूं, आप साथ में आंसर्स देते रहेंगे, जो बाद में YouTube लेक्चर व्यू करेंगे या लाइव व्यू कर रहे हैं तो आपको आंसर साथ में देते रहना है। अगर मेरे पास एक फ्लैट है जो मैंने रेंट पे दिया है तो वी विल कॉल इट एलओपी, वेरी गुड। अगर मेरे पास एक फ्लैट है जो मेरे अपने रहने के लिए है, एसओपी आर। अच्छा, मुझे मालूम है आप कुछ लोग रॉन्ग आंसर देंगे। मेरे पास एक दुकान है जो मैंने भाड़े पे दी है, दुकान भाड़े पे दी है। जब मैं कहता हूं भाड़े पे दी है मतलब एलओपी, दुकान हो या मकान हो क्या प्रॉब्लम है, वेरी गुड। अच्छा, एक दुकान है जो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करता हूं, कम ऑन, एसओपी बी, वेरी गुड। याद रहे फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको सारे, मतलब सारे क्या बोलू, श्योर शॉर्ट सक्सेस के साथ पास होना है। और इनकम टैक्स, जिससे दुनिया डरती है, दुनिया फेल होती है, हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। ओके, तो ये इनकम टैक्स का सुपर रिविजन चालू हो गया, इसका नाम रखेंगे सुपर रिलायबल रिविजन। ओके, तो ये बात तो मालूम पड़ गई कि हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, मालूम है, लैंड और बिल्डिंग, अपार्टमेंट, डायरेक्टर, और साथ में ओनर होना चाहिए, और वो बिजनेस प्रोफेशन के ही नहीं होना चाहिए, देखिए शॉर्ट में भी लिखा हुआ। फिर हमने कहा था एज फार एज एलओपी इज कंसर्न हम बात करेंगे, एलओपी के लिए हमें पहले, सबके लिए लाना है लेकिन मैं पहले एलओपी की बात करता हूँ, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, लेट अस कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मेट, एक बेसिक फॉर्मेट है जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट कंपेयर विद एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, सो यू गेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, पूरा समरी का निचोड़ तुम्हारा जो है, समरी मतलब निचोड़ इनकम टैक्स का मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये जो मेरे ब्रेन में स्टोर्ड है पूरा इनकम टैक्स, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में हम इसकी अब बात कर रहे हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। म्यूनिसिपल वैल्यू का नाम रेंटेबल वैल्यू, फेयर रेंट के दो नाम, रीजनेबल लेटिंग वैल्यू और बेस्ट एस्टिमेट ऑफ रेंट, जस्ट सी द नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, इट्स अ ओशन। स्टैंडर्ड रेंट इज रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट एंड अकॉर्डिंगली, पहले हायर फिर लोअर फिर हायर, वी गेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं सादे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, जहां वैकेंसी वगैरह नहीं है तो सिंपल मेथड से हमारा जीवी आएगा। और जैसे मैंने कहा, हमने अपने रिलायबल क्लासेस में हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स को टाइप वाइज क्लासिफाई किया, करीब 13-14 टाइप्स, जो आज तक कोई ऑथर ने शायद ही किया हो, और उसमें हमने इस टॉपिक को सीखा। उसी ऑर्डर में मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। तो ये एक सिंपल जीवी की बात हुई, और जीवी के बाद फिर आगे फॉर्मेट जो बन रहा है, मैं एनओपी की बात कर रहा हूँ, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आता है, प्रोविजो फॉर सेक्शन 23(1). म्युनिसिपल टैक्सेस मस्ट बी पेड बाय द ओनर, वो टैक्सेस है जो हम म्युनिसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटी को भरते हैं, अगर पेड होगा तो ही अलाउड होगा ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो भी बाय ओनर, आउटस्टैंडिंग है नहीं चलेगा, टेनेंट भरेगा नहीं चलेगा, पेड बाय ओनर रीइंबर्स बाय टेनेंट नहीं चलेगा, पेड बाय टेनेंट रीइंबर्स बाय ओनर चलेगा। आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो, आपको याद होगा। पिनल इंटरेस्ट या म्युनिसिपल टैक्स का लेट इंटरेस्ट वगैरह अगर होगा, इनफैक्ट मेरा बोलने का मतलब ये है, यस, वो बाद में आ जाएगा तेजस, डोंट वरी। तो वो जो है, यहां पे स्ट्रीमिंग तो हो रहा है, सो वो आई रिपीट वंस अगेन, म्युनिसिपल टैक्स अगर हम पे करेंगे तो ही अलाउड होगा, आउटस्टैंडिंग होगा तो नहीं, ओनर बनना चाहिए टेनेंट नहीं। म्युनिसिपल टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल अथॉरिटी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वाटर बेनिफिट टैक्स, सिवरेज टैक्स वगैरह के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज दीज आर ऑल दोज टैक्सेस विच आर पेड टू म्युनिसिपैलिटी और लोकल अथॉरिटी। ये सारी बातें हमने की थी। फिर हमें एनएवी मिलता है, एनएवी के बाद
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV आता है और इंटरेस्ट ऑन लोन अलग से हमें डिडक्शन मिलता है. इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमने पढ़ा है, लोन हाउस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए, परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिनोवेशन चलेगा. आई विल ऑल्सो बी आस्किंग यू सम क्वेश्चन, यू विल टेल मी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बेसिस पे है कि ड्यू बेसिस पे. ड्यू बेसिस पे, डोंट वरी, बाद में ये यूट्यूब का लिंक भी मैं शेयर कर लूंगा, उसके बाद ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक भी शेयर कर सकते हैं, दे कैन व्यू इट एनी टाइम एनी वेयर. ओके, तो ड्यू बेसिस पे मिलेगा, मतलब पेड भी चलेगा और आउटस्टैंडिंग भी, बट करंट ईयर का होना चाहिए. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या वो चलेगा? इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चलेगा. अच्छा, मैंने ओरिजिनल चुकाने, लोन चुकाने के लिए एक नया लोन लिया है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही है, और उसका इंटरेस्ट क्या वो चलेगा? यस, चलेगा. वेरी गुड. चलो, ये सारी बातें तो आपने बिल्कुल सही की. ये मैं एलओपी की कुछ बातें कर रहा था जो बेसिकली हमारा टाइप वन भी बनता है या बेसिक फॉर्मेट भी बनता है. फिर हमने सेकेंड टाइप में हमने एलओपी प्लस एसओपीआर की बात की. अगर कुछ मंथ्स एलओपी है और कुछ मंथ्स एसओपीआर है तो हम उसको एलओपी ही लेंगे, बट रेंट उतने ही महीने करेंगे जितना लेट आउट पीरियड है. आई होप यू रिमेंबर, चाहे तो नोटबुक में साथ में लिखते जाए. लेट अस से 10 मंथ्स लेट आउट है, 2 मंथ्स एसओपीआर है, ये बताओ रेंट कितने महीने का लोगे? संजय, 10 मंथ्स का ही रेंट लेंगे. टाइप थ्री में, टाइप तो मैंने एक मेंटली क्रिएट किया है, टाइप वन टाइप टू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है टाइप नंबर से याद रखे. एसओपीआर, अगर आपको याद आ रहा है एसओपीआर, ये देखें एसओपीआर के बारे में याद, थियरी पे सब दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं लेना. ये देखिए फॉर्मेट भी है और हम ऑलरेडी नोटबुक में भी कर चुके हैं. एसओपीआर में जो दो एसओपीआर की हम बात कर रहे हैं, जीएवी एज वेल एज एनएवी निल होगा. निल 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 निल, ओनली वन डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन. क्या पता है मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 30,000. लेकिन ये ऑफकोर्स हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन होना चाहिए, सब हम जानते हैं, परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिनोवेशन. बट अगर तुम कुछ शर्तें पूरी करते हो तो आपका इंटरेस्ट का लिमिट 30,000 की जगह कितना जाएगा, प्लीज टेल मी. मैं रुक रुक के जाऊंगा, सब मैं बोलूंगा तो फायदा क्या? आपको भी, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो भी यूट्यूब पर हैं, आपको आंसर देने जाना है और बाद में लिंक भी शेयर हो जाएगा, तो डोंट वरी. 2 लाख मैक्सिमम मिलेगा, सुपर सुपर रिविजन टू द पॉइंट, 2 लाख मिलेगा. बट 2 लाख के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए. मैं एसओपीआर की बात कर रहा हूँ. लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1499. लोन मस्ट बी यूज फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन. परचेज और कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन कितना ईयर्स बताओ? विद इन कितना ईयर्स? 5 ईयर्स. बहुत पहले 3 ईयर्स था, चेंज हो गया. 5 ईयर्स, 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विद द लोन वॉज टेकन. एंड एक और बात थी, सर्टिफिकेट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द लेंडर रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इफ ऑल दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड, यू कैन गो अप टू 2 लाख मैक्सिमम, कम है तो कम लो. और अगर एक भी कंडीशन नहीं पूरी हुई तो यू हैव टू स्टिक टू द लिमिट ऑफ 30,000. ये पास्ट पेपर्स में कई बार ये बात पे क्वेश्चन आया हुआ है. वेरी गुड. अच्छा, आपको ये भी पता है कि इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज का भी बहुत बढ़िया अलग से फाइल बनाया है. आई हैव रिक्वेस्टेड यू कि वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, एंड आफ्टर डूइंग द टॉपिक देन यू गो थ्रू दोज एमसीक्यू. इफ यू हैव एनी डाउट आई एम हियर, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, तो वो बात को भी ध्यान रखना है. अच्छा, अब मेरे कुछ सवाल. अगर एसओपीआर है, लोन रिपेयर के लिए लिया है, लास्ट ईयर ही लिया था 1920 में, और इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 है, ये सब एमसीक्यू में घुमाते हैं वो लोग, एंड पूरा फाइल शेयर्ड है ऑलरेडी, मतलब आपने डाउनलोड कर लिया है, मैक्सिमम आपको इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कैन यू टेल मी? 30,000 ही मिलेगा, क्योंकि रिपेयर्स के लिए था है, राइट? अच्छा, इसी एग्जाम्पल में अगर ये परचेज के लिए होता तो कृतिन, कृतिन हमारे स्टूडेंट है, बताएं कृतिन, अब तो आप ऑल इंडिया फेमस हो जाओगे, तो कृतिन जल्दी बताओ कितना मिलेगा? तो 2 लाख मिलेगा. वेरी गुड. तो आई होप यू रिमेंबर दिस थियरी जो हमने ऑलरेडी की हुई. देखिए 30,000, ये सब हमको मालूम है, ये आपके रेफरेंस के लिए हमने साथ में आपके लिए प्रिंटेड रिवीजन थियरी भी बनाई है. देखिए सब लिखा हुआ है, 5 ईयर्स वगैरह सब लिखा है. ओके, वेरी गुड, चलो ये बात भी मालूम पड़ गई. अच्छा, फिर हमने एसओपीआर के बाद ये बात की कि अगर 2 से ज्यादा एसओपीआर हो तो क्या होगा. अच्छा अच्छा, अगर इंटरेस्ट कम हुआ तो 50,000 ही मिलेगा. समझो इंटरेस्ट 5 लाख था. कृतिन, आई चेंज माई क्वेश्चन,
Of course, I said interest 50, but I changed my question. If the interest was 5 lakh and loan naya hai aur purchase ke liye house property hai, to 2 lakh. Of course, if the interest 50,000 hi rahega, to 50 milega. Kam hai to kam lo, zyada hai to limit mein raho. Limit mein raho, baba limit mein raho. Yaad hai? Very good. अच्छा उसके बाद हम आगे बढ़े. दो से ज्यादा अगर SOPR हुई तो क्या करना है. दो SOPR माफ है लेकिन दो से ज्यादा नहीं. अब एक बंदे के पास अगर तीन SOPR है, SOPR कैसे पहचानना है. मैंने कहा या तो क्वेश्चन में वो खुद कहेंगे SOPR है और या तो आपको एक्चुअल रेंट, रेंट रिसीव्ड, रेंट पर मंथ, रेंट पर एनम, रेंट रिसीवेबल कोई वर्ड नहीं दिखेगा. इसका मतलब वो SOPR है. अगर तीन है तो अब थोड़ा टेंशन बढ़ जाएगा. आपको कम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना होगा. ऑप्शन वन, अगर हम मान ले पहले दो SOPR है और थर्ड DLOP है. ऑप्शन टू, 1-3 SOPR है, 2 DLOP है. ऑप्शन थ्री, 2-3 SOPR है, 1 DLOP है. जैसा आप करना चाहो, मतलब ऑल्टरनेटिवली ऐसे तीन ऑप्शन बनेंगे. फिर फातिमा, तीनों का हम फाइनल आंसर लाएंगे. फातिमा अंसारी, इज इट राइट? ओके, आप लोग तो सब ऑल इंडिया फेमस हो गए, अब पूरा इंडिया तुमको जानता है. और फिर फाइनल आंसर लाएंगे और फाइनल आंसर में से जो लीस्ट होगा वो सिलेक्ट करेंगे. बट एक बात मैं बोलूंगा, आपने बोला फाइनल आंसर लाएंगे लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि डीएलओपी कैसे सॉल्व करोगे. कम ऑन, डीएलओपी इज टू बी सॉल्व इन द सेम मैनर एज एलओपी. वैसा ही है, सेम. बट हाँ, उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें एक्चुअल रेंट नहीं होगा. आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा. इन अदर वर्ड्स आई कैन से इन केस ऑफ डीएलओपी द जीएलई शैल बी द एक्सपेक्टेड रेंट, और आई विल से एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी द जीएलई. क्या हम सही बात कर रहे हैं? परफेक्ट. एंड वी हैव सॉल्व सच क्वेश्चन इन क्लास. और आज अगर पास्ट पेपर में वैसा क्वेश्चन आया तो हम हिचकिचाएंगे नहीं. हिचकिचाने का सवाल ही नहीं है, रुकने का सवाल ही नहीं है. बस इतना याद रखें, कोई रोक सके तो रोक ले, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे टोक नहीं सकता. नो क्वेश्चन कैन स्टॉप मी, राइट? वेरी गुड. फुल कॉन्फिडेंस से हम फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम देंगे और बढ़िया मार्क्स से, फ्लाइंग कलर से पास होंगे. वेरी गुड. अच्छा, उसके बाद मैं आपको और आगे लेके गया था. आई थिंक हमने एलओपी प्लस वैकेंसी की बात की थी. तो एलओपी प्लस वैकेंसी थोड़ा टाइप आगे पीछे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेन थिंग इज टॉपिक शुड बी कवर्ड. एलओपी प्लस वैकेंसी में हमें क्या करना है? लेट आउट भी है और वैकेंट भी है. तो आपको, हाँ मान से यू आर बाद में ले लेते हैं, पहले वैकेंसी की बात कर लेते, जुड़ जाएगा. अभी तो आपको टॉपिक आता है पूरा. तो पहले आप, एक ट्रिक है हमारी उसमें जो कभी फेल नहीं होगी, लेट आउट पहले आप एक्चुअल रेंट तक पूरा लिख दोगे, फिर एक वर्किंग नोट बनाओगे. यू कैन सी इन योर नोटबुक, लेट आउट, वैकेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, कॉमन. फिर आप एक्चुअल रेंट में वैकेंसी पीरियड भी ऐड करोगे, वैकेंसी पीरियड का ऐड, और फिर उसे कंपेयर करोगे ER से. डू यू रिमेंबर, ARR प्लस वैकेंसी इज ग्रेटर देन ER? यस, वी हैव कॉल्ड इट एज अ स्पेशल प्रॉब्लम. वसुधा खन्ना, यू आर राइट. तो सच्चा है तो GAV इज इक्वल टू ARR. और अगर ARR प्लस वैकेंसी इज लेस देन ER, झूठा है, तो GAV इज इक्वल टू ER. मैं एग्जांपल देता हूं. देखो, मैं सारे जो एग्जांपल दे रहा हूं ये MCQ के रूप में भी आते हैं. मान लो 10 मंथ्स लेट आउट है और महीने का भाड़ा 10,000 है, तो 10,000 इंटू 10 मंथ्स 1 लाख हुआ. दो महीना खाली है, 10,000 इंटू 2 20,000 हुआ, 120 हुआ. लेट अस से एक्सपेक्टेड रेंट 1,10,000 है. Now, ARR plus vacancy 120 is greater than ER 110. तो ये आदमी सच्चा है, तो GAV is equal to ARR. सच्चा और झूठा हमने लॉजिकली जानने की कोशिश की थी, इसलिए मैं डायलॉग मारता हूँ सच्चा और झूठा. तो सच्चा है, या एज पर इनकम टैक्स लॉ द GAV shall be ARR. Now, इतना बोल के भी कई लोग रॉन्ग बोलते हैं. What is your final answer? GAV is how much? 110 के 1 lakh? 1 lakh. Very good. So you have done so much of tax. Do you know? 170 आर्स से भी ज्यादा हमको लगा, लगभग 180 आर्स लगा. वैसे अप्रोक्सीमेटली 150-160 में होता है, बट ऑनलाइन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, लिखना वगैरह, स्क्रीन पेन, सो ऑन. तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 180 आर्स ऑफ कोचिंग ऑफ इनकम टैक्स सब्जेक्ट. ओके, चलो, वेरी गुड. तो ये मेहनत हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें रंग आना ही है और कामयाबी पाना ही है. अच्छा, ये बताओ मुझे, ये आपने बात की, जरा एक एग्जाम्पल और लेना. महीने का भाड़ा 5,000, 9 महीना लेट आउट है, 5 9 = 45, 3 महीना खाली है, 5 3 = 15, 45 + 15 = 60. ER अगर 80,000 है तो GAV कितना होगा? ER अगर 80,000 है तो GAV विल बी हाउ मच? तो GAV विल बी 80,000, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है. वेरी गुड.
इफ यू फॉलो द ट्रिक देन नोबडी कैन स्टॉप यू. हम लोग वो टाइम से पढ़ा रहे हैं जब आईपीसीसी और उससे पहले भी सीए के जो एग्जाम्स होते थे. मेरा ये एक्सपीरियंस बताता है कि आईपीसीसी के जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो थोड़ा ज्यादा हाई लेवल हुआ करते थे. ज्यादा हाई लेवल मतलब ऐसा कुछ नहीं पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े लेंथी, थोड़ा और जहां ज्यादा माइंड लगाना है. सीए इंटर जब से मैं देख रहा हूँ 2017 से क्वेश्चंस आर बेसिकली एक पर्टिकुलर लेवल पे रहते हैं. तो इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट वी हैव डन व्हिच आई बिलीव यू हैव डन नोबडी कैन स्टॉप यू. ये याद रखें. वेरी गुड. एंड यू हैव कवर्ड एवरीथिंग. यू आर 100% कॉन्फिडेंट. अच्छा थियोरी को आगे बढ़ाते हैं. फिर हम कुछ ये आपने इसकी बात की यू आर की बात करते हैं. यू आर आपको पता है अनरियलाइज रेंट. अनरियलाइज रेंट अगर होता है वो रेंट जो रिकवर नहीं हो सकता, जो डूब गया है, जो बैड डेब्ट्स है, ना मिलना है ना मिलने वाला है, तो वो एक्चुअल रेंट में नहीं लिया जाता. लेट अस से फॉर एग्जांपल लेट आउट इज 10 मंथ्स. इनफैक्ट आई विल नॉट यूज दिस लैंग्वेज, आई विल से लाइक दिस दैट लेट आउट इज 12 मंथ्स बट 2 महीना रेंट इज नॉट रियलाइज. ये सही भाषा है. 2 महीना भाड़ा ही नहीं मिला, टेनेंट भाग गया, मर गया, जो भी है, नहीं मिला भाड़ा मुझे. तो ये जो भाड़ा नहीं मिला मैं एक्चुअल रेंट में नहीं लूंगा. आई विल टेक ओनली 10 मंथ्स. लेट आउट का ही प्रॉब्लम है बट रेंट 10 मंथ्स लूंगा. बट ये इतना आसान नहीं. आपको असेसिंग ऑफिसर को कन्विंस करना होगा. डू यू रिमेंबर इसके ऊपर थियरी थी? यस. 4 कंडीशंस पूरे होना चाहिए. अनुराग यू आर एब्सोल्युटली राइट. इनकम टैक्स एक्ट 1961, रीड विद इनकम टैक्स रूल्स 1962 एंड विद फाइनेंस एक्ट द अमेंडमेंट्स मेड बाय द फाइनेंस एक्ट विच आर रिलेवेंट फॉर आर एग्जाम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 एज यू नो. और उसी हिसाब से हमने पढ़ा है, उसी हिसाब से बुक बनी है, उसी हिसाब से आरटीपी मैंने अपडेट किया, उसी हिसाब से आज हम रिवीजन करेंगे, उसी हिसाब से पास्ट पेपर अपडेटेड है और वही हमारे लिए सब कुछ है. अच्छा वो 4 कंडीशन जरूरी है. एक बात कह देता हूं, 4 में से एक भी कंडीशन नहीं पूरी हुई तो आपको पूरा 12 महीने का, इन दिस एग्जाम्पल 12 महीना बिकॉज बाकी कोई खाली वाली का लफड़ा नहीं था इसमें, रेंट लेना पड़ेगा. और अगर कंडीशन पूरी हुई तो आप यूआर पीरियड का रेंट ना ले, इनकम टैक्स आपसे नाराज नहीं होगा. क्या है वो शर्तें? The tenancy must be bona fide. The tenant has vacated the property or steps have been taken to compel him to vacate the property. Proceedings for recovery of UR has been initiated or AO has been convinced that the recovery proceeding would be useless. The tenant is not in occupation of any other property of the owner. Pure answers on the tip of the tongue. मैं तो सोच रहा हूँ चिट्ठी द रोबोट की तरह अगर ऐसा होता कि ये पेन ड्राइव में अगर सेव हो जाता तो मैं यहां मेरी मेमोरी से निकाल के आपकी मेमोरी में पेनड्राइव ट्रांसफर कर देता, कितना अच्छा होता ना. लेकिन ऐसा नहीं है. यू हैव टू गो एंड परफॉर्म. याद है ना चक दे इंडिया. कबीर सिंह नहीं गया था प्लेग्राउंड पे खेलने हॉकी, लड़कियां गई थी और इंडिया के लिए मेडल जीत के लाई थी. ओके दैट वॉज जस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मूवी. बट यस इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन देन कोई तुम्हें रोक नहीं सकता. वेरी गुड. And of course, the hard work and preparation is required. And with that, the determination will arise. Okay. Now, ये बताओ, तो ये बात हमने की, condition should be satisfied. If in the question is nothing is given, we assume that the condition is satisfied. But अगर condition नहीं satisfied होगी, तो हम वो UR का part भी actual end में लेंगे, क्योंकि assessing officer convinced नहीं है. So मैं एक example देता हूँ. Let us say for example, 12 महीना property let out थी, उसमें से 2 महीना UR था. और क्वेश्चन में दिया है द कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर नॉट सेटिस्फाइड. नाउ आई वांट टू आस्क यू आप कितने महीने का रेंट लोगे? पूरा 12 मंथ्स. वेरी गुड अनुराग, मानव, संजय, विनीत, हमारे साथ पूरे इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं. हिरल, वसुधा, ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं. वेरी गुड. फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन मीरा रोड इन थाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र. ओके नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन. इनफैक्ट टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं. रिकवरी ऑफ यूआर सेक्शन 25 याद आ रहा है? रिकवरी ऑफ यूआर. यूआर पहले हुआ था और वो बंदा आके मुझे अभी पैसा वापस देके जा रहा है या मैंने उससे वसूल किया, जो भी बोलना आप चाहो. ऐसे में हम क्या करेंगे? देखिए रिकवरी के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा हुआ है बट फिर भी हमको एनालाइज भी करना है. रिकवरी ऑफ यूआर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मेट बनाया. करंट ईयर में जो आपने रिकवर किया है वो लिखो. लेस नॉट अलाउड इन पास्ट, जो पहले अलाउड नहीं था वो इनकम नहीं होगी. और फिर बाद में 30% उसमें से स्टैंड डक्शन माइनस करो, जो बाकी पार्ट है वो आपका टैक्सेबल होगा. एक एग्जांपल ध्यान से सुनना.
मैं आपका सब साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करा। यू आर मान लो तीन चार साल पहले 10,000 हुआ था, 7 वॉज अलाउड एंड 3 वॉज नॉट अलाउड। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 7 वॉज अलाउड, 3 वॉज नॉट अलाउड। दिस ईयर यू हैव रिकवर्ड 5,000। नाउ जितना पहले अलाउड नहीं था उतनी इनकम नहीं होगी, तो जो रिकवर्ड 5 है उसमें से माइनस होगा 3, एम आई राइट, तो बचा 2,000। अब 2,000 में से 30% तो डिडक्शन मिलता ही हमको, क्योंकि अगर उस साल मिला होता तो भी 30% मिलता है। तो 2,000 का 30% 600 गया, तो बाकी बचा 1,400, एम आई राइट। ऐसे एमसीक्यूज भी आते हैं एंड वी हैव डन देम इन क्लास एंड आई होप जो भी हमारे साथ ज्वाइन है उनको एक कॉन्सेप्ट तो मालूम होगा, मैं आपको रिवाइज करा के दे रहा हूं, तो आई होप यू रिमेंबर दैट। हमने ट्रिक बनाई है फॉर्मेट के साथ। अच्छा, ये बात हो गई रिकवरी ऑफ यूआर की। फिर हमने को ओनरशिप की बात की, जॉइंट ओनरशिप, मोर देन वन ओनर, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कुछ नहीं है इसमें, सॉल्व इट इन नॉर्मल मैनर, बट जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वो आप डिवाइड करोगे बिटवीन द को ओनर्स, जो भी फाइनल आंसर होगा, लॉस या इनकम जो भी है, इन द रेशियो ऑफ देयर ओनरशिप। अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल। अच्छा, एक बात याद रखना है इसमें, जो लिमिट है एसओपीआर की इंटरेस्ट की 2 लाख फॉर 2 हाउस प्रॉपर्टी जो है वो फॉर ईच को ओनर अप्लाई होगी। तो अगर 2 को ओनर है तो 4 लाख तक जा सकती है। यहां पर लोग फायदा उठा सकते हैं और रियल लाइफ में लोग फायदा उठाते भी हैं इस सेक्शन से या इस बात से। अच्छा, एक बात और, जब मैं एसओपीआर की बात बता रहा था, लेट अस बी क्लियर, जब मैं कह रहा था एसओपीआर की लिमिट 2 लाख है तो वो दोनों एसओपीआर के लिए 2 लाख की लिमिट लगेगी। आप किस तरीके से कैसे यूज करोगे वो आपके ऊपर है, बट 2 लाख के ऊपर आपको अलाउड नहीं है। याद रखना, जब मैं सिंगल ओनर की बात कर रहा हूँ, एसओपीआर की बात कर रहा हूँ, भले ही उसकी 2 एसओपीआर हो, बट मैक्सिमम 2 लाख के ऊपर वो इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकता, जो आपको पता था बट मैंने एक बार आपको वापस बता दिया। अच्छा, ये देखें, कोनर डिडक्शन जो है एज द केस में मिलेगा, यहां भी लिखा हुआ ये। अच्छा, अरियर्स ऑफ रेंट मुझे याद आ रहा है, वो रेंट जो डिस्प्यूट में था, डिस्प्यूट सेटल हो गई है, आज करंट ईयर में हमको पैसा मिल रहा है, आई थिंक सेक्शन 25EE है, ऑफकोर्स वो रिकवरी आपके लिए टैक्सेबल है। लास्ट में आप लिखोगे, ऑफकोर्स रिकवरी ऑफ यू आर भी लास्ट में लिखते हैं, आई होप यू रिमेंबर, एंड जो अमाउंट मिला है लेस 30% आप टैक्सेबल करोगे। अच्छा, एक बात और कहूंगा, सेक्शन 25EE में ये दोनों सेक्शन है, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि करंट ईयर अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो तो भी ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही होगा, आई होप यू रिमेंबर दैट। करंट ईयर में अगर ओनर नहीं हो तो भी, ये भी बात हमने क्लास में की हुई है और आपने भी पढ़ा है। सो इट्स अ सुपर रैपिड फायर राउंड, बट आई बिलीव इन यू दैट यू हैव द नॉलेज ऑफ टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी। वी आर डूइंग अ ब्रीफ रीकैप और रिविजन और ब्रेन स्टॉर्मिंग और यू कैन से एक माइंड को ट्रिगर कर रहे हैं कि हाँ भाई ये था, हाँ भाई ये था, ये ऐसे था एंड सो। और ऑफकोर्स प्रॉब्लम में हम इसको अप्लाई भी करेंगे थोड़ी देर में। फिर मैंने बात की थी हाउस प्रॉपर्टी अगर इंडिया के बाहर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको मालूम है आप आर एंड ओआर हो तो वैसे भी वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है, तो उसमें आपको क्या करना है, खाली जो फॉरेन करेंसी होगी उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। दे विल गिव द करेंसी फैक्टर एंड अकॉर्डिंगली आप उसको कन्वर्ट करोगे, बाकी सब ठीक रहेगा। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बड़ी थ्योरी याद आ रही है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। आज प्रॉब्लम भी करेंगे हम, कुछ नहीं है, इफ यू सी आर नोट्स विच वी हैव डन। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया था, परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर रेनोवेशन जो भी है, ऑफकोर्स यहाँ पे मैं परचेज या कंस्ट्रक्शन की ही बात करूंगा जब हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की बात करते हैं, आई होप यू रिमेंबर। और आपको परचेज या कंस्ट्रक्शन में टाइम लगा, इसलिए जो पहले के साल गए बिफोर द परचेज और कंस्ट्रक्शन पार्ट, वो प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड होता है, उसका टोटल इंटरेस्ट आपको 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है बिगनिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन एज द केस में भी। कुछ याद आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, आपने लोन लिया है, लोन आपने परचेज के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, लेटर से आपने, मैंने रिटन एग्जाम्पल भी आपको दिया था, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, 17-18 में 1 अप्रैल 2017 में आपने लोन लिया, 17-18, 18-19, 19-20 मान के चलो, आपने आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 अगस्त 20 के पहले तक जो साल जा रहा है, मतलब 31 मार्च 20 तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन की लगाएगा। आई होप यू रिमेम्बर, जो साल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके प्रीसीडिंग 31 मार्च, यानी
फिर आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, मैथमेटिकल है, उसका टोटल करोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे, 5 साल तक आपको अलाउ होगा, 30 साल से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस साल से लेकर, और ये है इन एडिशन टू द करंट ईयर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये भी याद है ना, एंड वी हैव मेड सच टेबल्स इन द क्लास। अच्छा, लेकिन SOPR अगर होगा तो लिमिट के अंदर रहना होगा, टोटल लिमिट कोई भी हालत में 2 लाख के ऊपर नहीं जाएगी। आई होप यू रिमेंबर दैट ऑल्सो एंड वी विल बी डूइंग प्रॉब्लम ऑन दैट, मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे रहा हूँ। एंड अदर देन दैट, देखिए LOP, SOPR, DLOP, हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, UR, अरियर्स ऑफ रेंट, को ओनरशिप की भी हमने बात की, 2 से ज्यादा ओनर है, और UR, रिकवरी ऑफ UR, DLOP, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। सो मेरे हिसाब से यू हैव टॉक अबाउट ऑल टाइप्स। नाउ अलग से एक छोटी बात और ये है संजय, कंपोजिट रेंट के बारे में बता देता हूं। आपने प्रॉपर्टी के साथ एसेट्स या सर्विसेज भी रेंट पे दी है, जैसे आपने एक फ्लैट दिया है, साथ में फर्नीचर भी है वगैरह, एग्जाम्पल ले दो तो ऐसे में इनकम टैक्स लॉ कहता है कि आप स्प्लिट कर दोगे। जो मानसिक प्रॉब्लम करेंगे हम प्री कंस्ट्रक्शन का, डोंट वरी, अभी मैं प्रॉब्लम करने जा रहा हूं, है ना, जो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट रहेगा उसका एक्चुअल रेंट हाउस प्रॉपर्टी के हेड में एज एक्चुअल रेंट लेंगे, और जो एसेट्स या सर्विसेज है उनका जो पैसा हमको मिला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सपेंसेस एंड द डिडक्शंस अकॉर्डिंगली। हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट फॉलो होगा, और बाकी जो अदर सोर्सेज में वो अदर सोर्सेज के हिसाब से जो डिडक्शंस है वगैरह के हिसाब से हम वहां टैक्सेबल करेंगे, इनकम माइनस डिडक्शंस। अदर सोर्सेज में आपको मालूम है सेक्शन 57 में डिडक्शंस मिलते हैं एज अ केस में, तो वो बात भी हमारी हो गई। अलग से थियोरी में डीम्ड ओनर का कभी MCQ टाइप आ जाता है या थियोरी टाइप क्वेश्चन, बेसिकली तो पेपर में जाए तो प्रैक्टिकल ही मिलेगा आपको, बट MCQ में आपको मालूम है डीम्ड ओनर, जैसे ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड वगैरह हमने बात की है, इम्पार्टेबल एस्टेट, ओनर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेयर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सो ऑन वगैरह। अदर देन दैट एक क्वेश्चन ये भी है, अगर हाउस प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉकिंग ट्रेड हेल्ड करते हैं, किसी को याद आ रहा है, तो कितने साल तक उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी, आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट, अगर वो एज अ स्टॉकिंग ट्रेड होता है। ये देखें यहाँ पर शीट में भी है 2 ईयर्स, पहले 1 था बट अमेंडमेंट हो गया है, और पहले क्या था आप ध्यान रखो भी मत, मैं खाली आपको क्यों बता रहा हूँ, आप गलती से भी पुरानी बुक कोई नहीं देखेगा, कोई फ्रेंड या कोई भी आपको पुरानी कोई बुक देता है तो प्लीज डोंट रेफर दैट, पुराने क्वेश्चन भी नहीं, पुराने सोल्यूशन भी नहीं, amendments have taken place and accordingly we have to go, याद रहे, and accordingly हमने हमारे suggested answer की book भी update की है, तो 2 years का आपको ये concept याद रखना है, I hope 2 years तक जो है उसका taxability नहीं आएगा, okay, या सीधा बोल सकते हैं ये बात हमने की थी कि उसका GEV nil लिया जाएगा, right, okay, very good, तो ये बात भी मालूम पड़ गई है, वेरी गुड। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी, अभी बोल देता हूं, वो भी एग्जाम में बहुत बार आया, तो जाके टॉपिक कवर होगा, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में अगर कुछ रह जाए तो वो ध्यान में रखें। ऑफकोर्स आई विल टेल यू नाउ, एक हाउस प्रॉपर्टी है, कुछ पार्ट लेट आउट है और कुछ पार्ट SOPR, हमने काफी प्रॉब्लम्स किए हैं, लेट अस से एक प्रॉपर्टी है जिसमें 4 कमरे हैं, 3 कमरे लेट आउट है और 1 कमरा SOPR है, लेट अस से सब इक्वल साइज के हैं, तो कहना है 75% लेट आउट एंड 25% SOPR, हमने उसको एक नाम दिया है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, अलग से एक हमने नाम दिया है, हमने क्लास में आपको एक नाम दिया था पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी, इसमें आपको 2 कॉलम बनाना है, लेट आउट पोर्शन SOPR पोर्शन, सारे अमाउंट्स को डिवाइड करना है बिटवीन द 2 पोर्शन, याद आ रहा है आपको, बट एक्चुअल रेंट को डिवाइड नहीं करना है क्योंकि एक्चुअल रेंट तो लेट आउट पोर्शन का ही है, आई होप यू रिमेंबर, बाकी जो भी है म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, हर चीज डिवाइड होगी, और इंटरेस्ट ऑन लोन में लिमिट के अंदर रहना है, वो बात भी याद रखना है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अभी अभी जो एग्जाम्पल चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं, 3 rooms लेट आउट, 1 room SOPR, लेट अस से म्युनिसिपल वैल्यू 1 lakh है, तो 75 and 25 होगा, LOP कॉलम में आप 75 लिखोगे लेकिन SOPR कॉलम में डैश डालोगे, आपको मालूम है SOPR में GAV NAV सब नहीं होता, आई होप यू रिमेंबर दैट, तो SOPR में हम पहले से भी डैश डाल सकते। अच्छा, मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन 1 lakh, डिवाइड करते हैं, कम ऑन, अपने दिमाग को तेज चलाओ, आपको एकदम तेज चलना है, 75 25,
एलओपी में आप 75 लिखोगे, एसओपीआर में 25 लिमिट के अंदर है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बिंदास 25 लिखेंगे। अगर लिमिट के अंदर है तो लिमिट के हिसाब से चलेंगे, अगर लिमिट के ऊपर है तो ओके। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको आइडेंटिफाई बराबर करें। एरिया और पोर्शन इज लेट आउट एंड रिमेनिंग एरिया और पोर्शन इज एज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ओनर, एसओपीआर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यू हैव टू बी एकदम सुपर एक्सपर्ट, सुपर क्विक एंड टू द पॉइंट। वेरी गुड। तो एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक की दी हुई है, ऑब्वियसली राइट। वेरी गुड। एक्चुअल रेंट मोहम्मद हमेशा एलओपी में ही लिया जाएगा, पर मंथ हो, जो भी हो, पर अगर भी हो तो क्या हुआ, क्या मोहम्मद भाई। वेरी गुड। सो दिस इज अ ब्रीफ समरी ऑल्सो इन दिस शीट, यू कैन सी अ ब्रीफ समरी। यही सब जो हमने बातें की, देखो जॉइंटली उन आ गया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी खास उस पर मैंने बात की है। ये देखिए सब कुछ सेम है, ऐसी कोई बात नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन 1/5 है। सो गाइज नाउ यू आर रेडी फॉर द शो। सो क्यों ना अब प्रॉब्लम किए जाए कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स। आज हमारे पास 3 आवर्स में हमें सैलरी हाउस प्रॉपर्टी दोनों करना है। हाउस प्रॉपर्टी को कम टाइम लगेगा, सैलरी को थोड़ा ज्यादा लगेगा, सैलरी थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। ओके तो कौन से क्वेश्चंस मैंने पहले से सिलेक्ट किए हुए हैं, आई विल टेल यू। आपको भी पता है, मुझको भी पता है, बहुत सारे तो हमने क्लास में ऑलरेडी बुक में कवर कर लिए हैं, बहुत सारे आरटीपी में भी है और कुछ हम आज भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ फाइल शेयर करता हूँ। ये रही इनकम टैक्स पेपर्स की फाइल, आप लोग बाद में अपने लैपटॉप में इसको कॉपी कर सकते हैं। न्यू शेयर, और जो यूट्यूब पर ऑनलाइन है आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पेश है। सो ये रहा अपनी क्लासेस का ये क्वेश्चन शीट, अमेंडेड एज पर असेसमेंट ईयर 21-22। आज जो मैं पहला प्रॉब्लम करा रहा हूँ वो सी इंटर मे 17 का ही है। आप अपनी नोटबुक निकालेंगे, हम साथ में सॉल्व करेंगे थियरी प्रॉब्लम, थियरी प्रॉब्लम जैसे हमारी बात हुई है। सो लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 3। तो आप नोटबुक में भी लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 3। क्वेश्चन 4 में सेकंड पार्ट लेना है, यहां सेकंड पार्ट है, गणेश करके है, गणेश। तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं क्वेश्चन 4 पेज 3 सीए मे 17, इतना लिख सकते हैं ताकि बाद में आपको ढूंढने में टेंशन ना हो। और इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर कर दी गई है, और जो लाइव है वो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं या लाइव ही देखकर लाइव ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग लाइव ही सॉल्व करेंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। ओके। और बाकी भी वैसे क्वेश्चन पेपर्स नेट पे भी अवेलेबल है, तो क्वेश्चन पेपर्स का बड़ा टेंशन नहीं है। बट रिमेंबर वी आर डूइंग एज पर AY 21-22। क्या सब रेडी है? बोलो ओके रेडी। आर यू रेडी? Yes, live exam question. Let's see whether you'll be able to do or not. एक बहुत ही दिमाग से रीड करना है, पेंसिल या पेन एग्जाम में। ऑफ कोर्स यहाँ तो डायरेक्टली हम अपने दिमाग से कर रहे हैं, बट एग्जाम में हमें इतना पेंसिल पेन साथ में रखना है। ईयरली आइडेंटिफाई करें कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी है, कौन सी टाइप का प्रॉब्लम है। ये नंबर से नहीं बोल रहा हूँ, टाइप से, एंड अकॉर्डिंगली फॉर्मेट बना के सॉल्व करना है। वैसे तो फॉर्मेट बनता ही है आपको मालूम है। गणेश ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग, गणेश भाई के पास एक कमर्शियल बिल्डिंग है, हुज कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीट इन June 19। कंस्ट्रक्शन हो गया था उसका। ही टुक अ लोन ऑफ 15 लाख फ्रॉम हिज फ्रेंड, चलेगा ना फ्रेंड से लिया, ऑन 1st August 2018 एंड हैड बीन पेइंग इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 15% पर annum। ही इज एलिजिबल फॉर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट डिडक्शन एज पर प्रोविजन। वो तो ऑब्वियसली लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, लोन की डेट पहले है, कंस्ट्रक्शन की डेट बाद में है, तो ऑटोमेटिकली प्री कंस्ट्रक्शन होता है। फिर भी इसने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो एलिजिबल है, ठीक है। गणेश हैज लेट आउट द कमर्शियल बिल्डिंग, इसने ये प्रॉपर्टी भाड़े पर दे दी है एट अ मंथली रेट ऑफ 40,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, जो हमारा ईयर है, कुछ नहीं है तो पूरा 12 महीना है। ही पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 18 ईच फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021 ऑन 1st May 2020। जितना भरोगे उतना मिलेगा, जब भरोगे तब मिलेगा, नहीं भरोगे नहीं मिलेगा। मैं पहला सवाल पूछता हूँ, पहली बात, ये प्रॉपर्टी एलओपी है कि एसओपीआर है? कम ऑन, एलओपी है, लेट आउट है। कितना महीना लेट आउट है? कमर्शियल बिल्डिंग है तो क्या हुआ, भाड़े पे दिया है,
फुल 12 मंथ्स लेट आउट है. ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग फ्रॉम एंगल ऑफ पी वाई 2021, ऑलवेज कीप इन माइंड. ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यू फेरेंट वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो डायरेक्ट आपका जीएवी एक्चुअल रेंट होगा. फिर उसके तो आप डायरेक्टली जीएवी ब्रैकेट एक्चुअल रेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना. एक्चुअल रेंट जीएवी हो गया आपका. म्यूनसिपल टैक्स आप माइनस करोगे. म्यूनसिपल टैक्स कौन सा लोगे, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, के दोनों? सब मैं ही आंसर बताऊंगा तो फायदा नहीं ना. यू ऑल्सो हैव टू थिंक दोनों साल का, क्योंकि इट इज पेड इन द करंट ईयर. जितना भरोगे उतना मिलेगा. मानसी दोनों साल का मिलेगा बिकॉज यू हैव पेड इन द करंट ईयर. मानसी ऐसा सिली मिस्टेक्स नहीं करना है. अच्छा, फिर एनईडी आएगा, 30% ट्रांजेक्शन आएगा. मेन एडजस्टमेंट इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का है. इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन में प्री कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो उसका हम एक अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे, जैसे हम क्लास में बनाते थे. मैं आपके साथ लाइव बनाऊंगा, डोंट वरी. और उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा, करंट ईयर का प्री कंस्ट्रक्शन मिला के टोटल आएगा, दैट विल बी अलाउड टू अस एज डिडक्शन. एक सिली क्वेश्चन पूछता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन में लिमिट क्या होगी? एक सिली क्वेश्चन, जानबूझ के मैंने कहा सिली क्वेश्चन, मतलब मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं. लिमिट क्या होगी? कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि ये एलओपी है. इज इट फाइन? अच्छा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो आपको मालूम है, लोन लेने से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का प्रीसीडिंग 31st मार्च, और उसके हम वर्किंग नोट बना देंगे. आर यू फाइन विद दिस? सो दिस इज आई थिंक 4 मार्क क्वेश्चन होगा. ये 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क का एक है. तो ये 4 मार्क की एक तरीके की लॉटरी है. मान लो ये हमारा एग्जाम चल रहा है, और अब हमने मैंने देखा है पास्ट पेपर्स में कई बार ये लोग, बहुत बार ऐसा हुआ है कि नाम और अमाउंट चेंज करके भी क्वेश्चन डालते हैं. जैसे लेटर से इसी साल गणेश की जगह सूर्या डाल देंगे, अमाउंट चेंज कर देंगे, थोड़ा डेट चेंज कर देंगे. आपको एकदम नया क्वेश्चन लगेगा, बट कॉन्सेप्चुअली वो वही होगा जो पहले पेपर में कवर हुआ है. तो ये बातों को ध्यान रखकर हम इसीलिए पास्ट पेपर्स पे ध्यान देना जरूरी है. इसलिए आरटीपी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, जो मुझे उम्मीद है कि आप इससे, नॉट ओनली आरटीपी, एज यू नो इट इंक्लूड आरटीपी एज वेल एज पास्ट 3 और 4 पेपर्स, लास्ट 3 और 4 पेपर्स, क्योंकि मैंने ही अपडेट करके बनाया उसे. एंड मेनी प्रॉब्लम्स वी आर सॉल्विंग लाइव ऑल्सो, एंड क्लास वर्क में भी किए हैं, एंड होमवर्क में भी आप लोगों ने किए हैं. तो नो प्रॉब्लम शुड बी एबल टू स्टॉप यू, दैट इज वॉट आई बिलीव. कम ऑन गाइज, एवरी वन, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैं यहीं पर आपके साथ यहाँ इसका सोल्यूशन करूंगा, या फिर मैं काम करता हूँ, मेरी फाइल खराब ना हो तो मैं कॉपी करके इसी को लास्ट पेज के नीचे ले लेता हूँ, और फिर वहां सॉल्व करता हूँ, है ना, ताकि पेज नंबरिंग में तो खराब हो जाएगी नहीं, फिर आपको कंफ्यूज रहेगा. कंट्रोल एंड एंड यहाँ पर एक नए पेज पर, ऐसे समझो कि ये मेरा वर्कशीट है, ये रहा ये क्वेश्चन. तो इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं. सबसे पहले हम फॉर्मेट बना देंगे, एज यू नो, एक सिंपल पर्टिकुलर्स कॉलम और एक अमाउंट कॉलम. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, एवरी वन शुड स्टार्ट दिस नाउ. 2 कॉलम होंगे, और एज यू नो करीब 12-13 लाइन का हम फॉर्मेट बना देंगे. और यार ऐसा क्यों बन गया यार, ये तो मुझे सता रहा है यार. ठीक है, आप ठीक है? अच्छा, आपको अच्छी तरह मालूम है कैसे बनाना है, तो हम इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. जैसे ये एग्जाम क्वेश्चन है, जल्दी 1 मिनट भाई, मेरे जल्दी बन जाए यार. चल, तो ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ आईएफएचपी, ऐसा भी लिखा हुआ है. ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं. ठीक, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आपने लिख लिया है, पर्टिकुलर्स और ये एलओपी है, तो मैं यहाँ एलओपी लिख देता हूँ. अमाउंट तो रुपीज है, वो तो पता है, उसका फॉर्म नहीं है. यहाँ हम डायरेक्टली जीएवी में शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, एग्जाम में आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं. डायरेक्ट जीएवी ले रहा हूँ एक्चुअल रेंट, क्योंकि म्यूनसिपल वैल्यू कुछ नहीं है, नहीं दिया है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और एग्जाम में भी उसका लिखने का कोई मतलब नहीं होगा. आप मेरे साथ चल रहे हो, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, नेट एनुअल वैल्यू लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पता होगा आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन ट्रांजेक्शन 30% ऑफ एनईडी है, एज यू नो. एंड क्लॉज बी में आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन. इसके लिए हम एक फुल फ्लेज वर्किंग नोट देंगे, जो बाद में बनाते हैं, पहले काम करते हैं.
महीने का भाड़ा 40,000 है, 40,000 इंटू 12 सीधी बात, नो बकवास, प्रीवियस ईयर 2021 480,000, ठीक बात है, वेरी गुड। एज यू नो करंट ईयर में आप जितना भी म्युनिसिपल टैक्स भरोगे पूरा अलाउड होगा, आपकी 2019 में प्रॉपर्टी बन चुकी है तो 1920 का भी प्रॉपर्टी टैक्स आया, 2021 का भी आया, दोनों साल का आपने एक साथ फर्स्ट में 20 को भरा है, कोई दिक्कत नहीं है। 18,000 ईच बोला है, देखिए थोड़ा संभालने का, सिली मिस्टेक्स नहीं करना, सबसे बुरी मिस्टेक सिली मिस्टेक है, आता है और मैं सिली मिस्टेक करके आऊंगा तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है। तो 18 18 36, एम आई राइट, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद माइनस करते हैं, वेरी गुड, कितना बच गया बताओ, 3 लाख, मैं भी कैलकुलेटर लेकर आया हूं, 480 माइनस 36, 444, वेरी गुड, 30% इसमें से कट जाएगा स्टैंड डक्शन, 133,200। अब गाड़ी आके रुकी इंटरेस्ट ऑन लोन पे, और वही पार्ट इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हमने क्लास में वर्किंग नोट सीखी है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहां जगह है दो लाइन छोड़ के, तो मैं यहीं बना देता हूं, तो उसमें यार कॉलम एक और चाहिए ना, ठीक है काम करता हूं, नहीं अलग से ही बना देंगे, नो प्रॉब्लम, राइट क्लिक, कट, इसको जाने दो, कट किया तो भी कट नहीं है, ओके नया बनाएंगे वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। एवरीवन तीन कॉलम बनते हैं उसमें, आई होप यू रिमेंबर, वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर एंड अमाउंट। एवरीवन लेट अस मेक द वर्किंग नोट, कॉलम्स, तीन रोज थोड़े बना देते हैं, चार पांच कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्यों बनना है मेरे भाई, चलो बन जाएगा। अब एवरीवन हेडिंग वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर एंड अमाउंट, तीन कॉलम हम लोग बनाते हैं, आई होप यू रिमेंबर। अब सबसे पहले जहां से लोन लिया वो लिखेंगे, लोन टेकन, क्वेश्चन में लिखा है इसने लोन लिया है जून 19 में, जून 19, तो जून 19 लिखता हूँ, ठीक है कुछ नहीं है तो एक जून ही हुई और क्या है कि जून बोला है तो एक जून लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 19 तो आपका ईयर हो गया 19-20, छोटा सा बनेगा, मतलब इतना बड़ा बनने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड 20-21। अच्छा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, कब कंप्लीट हो गया है कंस्ट्रक्शन, ओ आई एम सो सॉरी, फर्स्ट 818, देखा इतना संभालना, आई एम सो सॉरी, फर्स्ट 818, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके आई रिपीट, फर्स्ट 818, लेट अस डू इट अकॉर्डिंगली, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, आई विल चेंज इट, डोंट वरी, फर्स्ट 818 है भाई, वेरी केयरफुल, ओके नो प्रॉब्लम, अभी कर देते हैं इसको, ठीक डोंट वरी, 18 19 19 20 एंड 20, करंट ईयर तक पूरा लिखना, ये लोन लेने की डेट है। अच्छा एम आई राइट नाउ, वेरी गुड थैंक यू। अब आप बताओगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, जून 19 में हुआ, ठीक है जून खाली लिखा तो जून लिख देंगे, अपने प्रॉब्लम नहीं, जून 19 मतलब 1920 राइट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जून 19। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके पहले का पीरियड जो होता है वो प्री कंस्ट्रक्शन होता है, तो लाइन यहां बन जाएगी, मतलब इस क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खाली एक ही साल आएगा, यहां आप पूरी लाइन बना दोगे, ये पूरी लाइन बन जाएगी, इज इट फाइन, वेरी गुड, तो एक ही साल है और क्या, ये लाइन बन गई मतलब 31 मार्च तक ही हुआ ना। अच्छा नाउ यू हैव टू गेट मी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 18 19, फर्स्ट ऑगस्ट 18 का है तो ऑगस्ट से लेके मार्च तक आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 8 महीने का ब्याज आपको लेना है,
अमाउंट 15 लाख है, 15% कम 15 लाख इंटू 15% डिवाइड बाय 12 इंटू 8, एनीबडी 1,50,000 एज फार एज 1819 इज कंसर्न, 1,50,000 वेरी गुड, तो आई विल राइट 1,50,000 हियर, लाइन चल रही है आपकी। अच्छा 1920 में भी क्या 1,50,000 आएगा? नहीं, 12 मंथ्स का आएगा, चाहे तो आप डिवाइड बाई 8 इंटू 12 कर लो या फिर कैसे जैसा आपको चाहिए कर सकते हैं। सीधा बोल दो ना 15 लाख का 15%, 2,25,000। ओके, इसने कुछ लोन चुकाया ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन भी 225 ही आएगा। पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बाद में हम डिवाइड की बात करेंगे। अच्छा, अब ये जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है डिवाइड बाय 5 होगा, तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं लिखने के लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं, एरो बना के लिख सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, टोटल डिवाइड बाय 5, तो 150 इज योर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, 5 पार्ट में करोगे तो 30,000 ईच ईयर आएगा, ये 30,000 आप यहाँ से आपको रिडक्शन मिलना चालू हो जाएगा, सब्र का फल मीठा होता है, 5 टाइम्स लिखते हैं, बट एग्जाम में यू कैन सेव टाइम, जरूरी नहीं कि 5 टाइम लिखा जाए, 5 टाइम मिलता है ये हमको मालूम है ना, हम लिख रहे ना, ठीक है ना, 30 5 टाइम लिखना है, लिखते हैं। एज फार एज 2021 इज कंसर्न, ये 225 होगा आपका, और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस 30, यहाँ पर बॉक्स में नहीं आएगा, तो आई वॉन्ट यू टू राइट इट प्लस 30, आई होप आपने यहाँ लिखा है, यहाँ भी प्लस 30 लिख देंगे, ऐसा फाइन है। नाउ एज फार एज द करंट ईयर इज कंसर्न, ये 225 है और यहाँ आपने प्लस 30 लिखा होगा, तो 225 प्लस 30 कितना होता है ये बता, 225 प्लस 30 255। अच्छा एलओपी है तो कोई लिमिट नहीं है, तो मैं 255 लिख दूं, आई होप यू हैव गॉट इट, आई रिपीट अगेन, यहाँ प्लस 30 आपको लिखना होगा, तो 2,55,000 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है फॉर करंट ईयर, दैट्स वेरी गुड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये दोनों अमाउंट आप लेस करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलना चाहिए, 55,800 इज योर फाइनल आंसर, विच विल बी कॉल्ड एज टैक्सेबल IFHP। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। दिस वॉज नॉट अ इजी क्वेश्चन, बट यू हैव डन इट वेरी वेल, यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव स्टडीड एवरीथिंग, सो यू आर एबल टू सॉल्व इट। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर, नो क्लियर, सो आई होप यू हैव गॉट द आंसर, द आंसर इज 55,800, फुल 4 मार्क्स इन योर पॉकेट, सवाल ही नहीं, वेरी गुड। बट खाली एक क्वेश्चन पे थोड़ी काम चलेगा, चलो और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस कम टू, आई होप ये सबका हो गया है, साथ में ही लिखना है क्योंकि रिवीजन चल रहा है, तो उतना स्पीड भी चाहिए एग्जाम में, आपको इनकम टैक्स पेपर के लिए 1 hour 40 minutes मैक्सिमम है, और ये GST से भी ज्यादा लेंदी है, आपको मालूम है ये बात, तो आपको स्पीड भी डेवलप करना है और वो प्रैक्टिस से आएगी। आई होप यू हैव सॉल्व सफिशियंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एज प्रैक्टिस बिफोर, on the basis of which this revision lecture we are doing, page number 6 question number 4a, page number 6 question number 4a, ye november 17 paper ka hai, november 17 paper ka hai, aapko likhna hai to likh sakte ho ki kaun se paper ka hai, november 17 question 4a aditya, okay let's check this, okay ye to aapka answer ho hi gaya hai, जीरो ज्यादा हो गया था, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक कर दिया है, तो हियर वी आर पेज नंबर 6 क्वेश्चन 4a आदित्य, क्या सब लोग तैयार है? वेरी गुड, अभी पढ़ते हैं देखते हैं, ओके रेडी, मिस्टर आदित्य आर बट एनओ आर, आर एन एनओ आर बोलो या आर बट एनओ आर बोलो, आर एंड एनओ आर है, आर एंड एनओ आर के लिए इंडियन इनकम, हम रेसिडेंशियल स्कोप तो अलग से रिवाइज करेंगे, लेकिन इतना सबको मालूम है इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होती है और फॉरेन इनकम जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है बिजनेस वगैरह वो भी टैक्सेबल होती है, मालूम है ना, इंडियन इनकम तो होती है इतना तो मालूम ही है, ओके आगे बढ़ो, ठीक है असेसमेंट रिटर्न यूनिट, उसके दो घर है, एक दुबई में, बाप रे बाप, और अदर मुंबई में, बाहर गया तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार, तो एक दुबई में है एक मुंबई में है, ठीक है देखते हैं, दुबई का हाउस लेट आउट है, रेंट दुबई का जो भी करेंसी होगा DHS, धीरम धीरम जो भी है 20,000 पर मंथ है,
और रेट दिया है 18 रुपीज, तो 20,000 इंटू 18 करना पड़ेगा। एंटायर रेंट अनलाइन करें या अनलाइन कर लेना, मतलब ध्यान रखना इज रिसीव्ड इन इंडिया। भैया रिसीव्ड इन इंडिया है तो फुली टैक्सेबल होगा, आप आर एन एन ओ आर हो तो भी टैक्सेबल होगा क्योंकि इंडियन इनकम है, आई होप यू नो दैट। तो ठीक है, ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स, उसने धीरम 2500 प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, आपको इसको कन्वर्ट करना भूलना मत। और उसने सीवरेज टैक्स भी भरा है, आपको मालूम होगा सीवरेज टैक्स किसका दूसरा नाम है, हमने क्लास में किया हुआ है, सीवरेज टैक्स म्यूनसिपल टैक्स का ही दूसरा नाम है। तो आपका म्यूनसिपल टैक्स 2500 प्लस 5.5, दिमाग साथ में चलना चाहिए, कैलकुलेटर साथ में चलना चाहिए, 4000 दिरहम होगा। हाँ, उसको कन्वर्ट करने का प्रॉब्लम नहीं है, वो अपन कर लेंगे। वेरी गुड, हाउ इन मुंबई एसओपी आ रहा है, चलो भाई मुंबई का टेंशन नहीं है, सब मिल ले लेंगे। उसके लिए भैया ने लोन लिया था 25 लाख का कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का डेट दिया हुआ है और उसने इस घर को 1 जून 2019 से ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, वैसे भी कुछ नहीं दिया था, आउटस्टैंडिंग मानते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी उसने उसका भरा है, बट उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि एसओपीआर में सब वैल्यू नील होती है, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन लेना। तो एज फार एज एसओपीआर इज कंसर्न, द ओनली एलिमेंट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, और एलओपी का प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्री में है बट रिसीव्ड इन इंडिया है, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो दिखने में डरावना क्वेश्चन है बट स्कोरिंग है, बट अगेन आपका पूरा थ्योरी परफेक्ट होना चाहिए। इनकम टैक्स में यही बात है, अगर आप हर क्वेश्चन में एक दो मिस्टेक करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज से पूरा सोल्यूशन में प्रॉब्लम आ जाता है। अगर मैं जी भी राइट नहीं ला रहा हूँ तो मेरा एनएमवी भी रॉन्ग है, मेरा स्टैंड डक्शन भी रॉन्ग है, मेरा फाइनल आंसर भी रॉन्ग है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड नो सिली मिस्टेक्स एट ऑल। सवाल ही नहीं, मेरे दिमाग में डाल देना है, कोई हालत में मैं सिली मिस्टेक नहीं करने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए या करने वाला हूँ। चलो, तो अब इसको सॉल्व किया जाए। वेरी गुड, तो मैं क्वेश्चन कॉपी करके इसको फाइल में नीचे ले लेता हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे। आप जब तक चाहे तो एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें दो कॉलम होंगे, एक एलओपी कॉलम और एक एसओपी। ऐसा क्यों हो रहा है यार, अच्छा मार्जिन इधर है इसलिए। ओ माय गॉड, सिली मिस्टेक यार, सही हो जा भाई, हो गया, चलो कोई टेंशन नहीं। ये रहा हमारा आदित्य वाला क्वेश्चन, अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हमें फॉर्मेट बनाना होगा। अच्छा, क्वेश्चन में म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट वगैरह दिया हुआ है, आई थिंक कुछ तो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, चेक कर ले। म्यूनसिपल वैल्यू वगैरह कुछ है क्या भाई, नहीं है, कहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये भी डायरेक्ट जीवी से चालू हो जाएगा एक्चुअल रेंट से, एम आई राइट, एग्जाम में दैट मच टाइम ऑफ योर्स कैन बी सेव। वेरी गुड, तो डायरेक्ट इसको भी जीवी से चालू करेंगे आप, कॉलम दो हो जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू मेक टू कॉलम्स, लगभग 12-15 लाइंस की जरूरत ही नहीं, 10 लाइंस विल बी सफिशिएंट, 10 लाइंस, आई रिपीट 10 लाइंस शुड बी सफिशिएंट। वी आर सॉल्विंग आदित्य, जो क्वेश्चन हमारे अभी सामने है उसमें अकॉर्डिंगली चेंजेस कर देता हूँ। दुबई वाली प्रॉपर्टी एनओपी है, या आपको मालूम है, मुझे मालूम है, और एक कॉलम और बना देंगे, मुंबई वाली प्रॉपर्टी या इंडिया वाली जो भी प्रॉपर्टी है वो एसओपी आ रहा है, तो इसमें ऐड कर देता हूँ इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी एसओपी। वेरी गुड, आई होप आपने फॉर्मेट बना दिया होगा, ये रहा आपका फॉर्मेट। कैलकुलेटर लेना है, दुबई की प्रॉपर्टी जो है उसका मंथली रेंट कितना है, 20,000 दिरहम जो भी है, इंटू 12 इंटू 18 या इंटू 18 इंटू 12 करो, 20,000 इंटू 12 इंटू 18 करो, 20,000 है, 12 महीना लेट आउट है, करेंसी रेट 18 रुपया, आई थिंक 43,20,000, एनी वन कैन गिव मी द आंसर। वेरी गुड, 43,20, ठीक है ना, ये आपका एक्सीलेंट हो गया। अच्छा, एसओपीआर में तो नहीं आएगा, बाद में भी कर सकते हैं। म्यूनसिपल टैक्स याद रहिए दोनों अलाउड है, 4,000 हो गया, एक्सक्यूज मी 4,000 इंटू 18, कम ऑन, टेल मी फास्ट, 72, वेरी गुड, एक्सक्यूज मी 72,000, वेरी गुड, 43,20 माइनस 72, 42,48, फाइन, 30%,
1274 400, am I right? वेरी गुड भाई. दुबई वाले घर का कोई लोन वोन है क्या? दुबई वाले घर का कुछ भी नहीं है, राइट? ये तो मुंबई वाले घर का है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है. एक्सक्यूज मी, नहीं है. तो आई वॉन्ट यू टू गिव मी द फाइनल आंसर. एनी वन? 2973 600, कितना इजी था. प्लीज चेक 2973 600. ओके मानसी अग्रवाल, द फाइनल आंसर इज, एक्सक्यूज मी, 2973 600. वेरी गुड. नाउ लेट अस कम टू एसओपीआर. ओके जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई जस्ट स्विच ऑफ द एसी. ओह गॉड. ओके गाइस लेट अस कंटिन्यू. नाउ लेट अस गो ऑन एसओपीआर. एसओपीआर में सब नील आएगा या डैश भी लिख सकते हैं. गाड़ी आके रुकी इंटरेस्ट ऑन लोन में, जिसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे. ओके लास्ट फॉर्म में भी था. एक्सक्यूज मी, इट शुड बी फाइन इन मिनट और टू. ओके आई जस्ट कॉपी दिस वन अगेन, पेस्ट इट. ऑफ कोर्स चीजें इसमें चेंज होगी. वर्किंग नोट हम बना रहे हैं. सबसे पहले हम लोन टेकिंग डेट लिखेंगे. देखते हैं कब इसने लोन लिया है. लोन टेकन क्वेश्चन में, लेट मी हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन. लोन टेकन, बंबई का घर, बंबई मुंबई. लोन 1st June 17. ओके गोइंग टू बी लॉन्ग स्टोरी, इट अपीयर्स टू बी 1st June 17. तो ये आपका ईयर कौन सा हो गया? 17-18 हो गया ना भाई. वेरी गुड. 17-18. अब लिखते जाएंगे जब तक 2021 नहीं आएगा. 19, 20, 21. वेरी गुड. अच्छा भाई इसका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 31st May 19. तो 19-20 के बाद में लिखेंगे ना भैया. Construction complete 31st May 19. तो लाइन कहाँ आएगी? यहाँ ऊपर, राइट? मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये लाइन है. अप टू द प्रीसीडिंग 31st March ऑफ द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, याद है सबको? तो ये आपका अपनी कंस्ट्रक्शन पीरियड है. इसका टोटल होगा 5 parts में होगा. यहाँ से फर्स्ट पार्ट चालू हो जाएगा, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. हमें लेकिन करंट ईयर से ही मतलब है, ये आपको अच्छी तरह मालूम है. अच्छा देख लेते हैं अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे. 25 लाख का लोन है, रेट 12% है ऑफ कोर्स. तो 25 लाख का 12% हमें करना है, बट पहले साल में जून से लेना है. अप्रैल में छोड़ दिया तो मतलब 10 महीने का आएगा. कम ऑन, गिव मी द अमाउंट प्लीज. 25 लाख, 12%, लेकिन पहले 10 मंथ्स का आएगा. 2,50,000 आ रहे हैं क्या? 25 लाख इंटू 12% डिवाइड बाई 12 × 10, 2,50,000. वेरी गुड. अच्छा क्या सेकेंड ईयर भी 250 आएगा? नहीं, सेकेंड ईयर पूरा 12 महीने का आएगा, कभी से चुका है नहीं है. तो 25 लाख का 12% 3 लाख होता है. उसके बाद उसने कभी नहीं चुकाया तो हर साल 3 लाख आएगा. जीरो ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है ना? वेरी गुड. अब रही बात आपके प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की, तो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट 250 + 3 तो 550 हो गया. ये देखिए यहाँ लाइन बनेगी, मैं यहाँ लाइन दिखा देता हूँ एक. ये 550 हो गया, वो आप जरा खुद लिख लीजिए, यहाँ टेबल में साइड में लिख लो, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. 550 डिवाइड बाय 5, 110 आई थिंक, 1,10,000, एम आई राइट? वेरी गुड. अब ये 1,10,000 पाँच साल तक मिलेगा, तो ये 1 साल है, ये 2 है, और आगे का 3 आपको लिखना है तो लिखो, उसका एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है. आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिखना चाहोगे लिखो. मेन क्या है? अपना करंट ईयर है. तो 3,00,000 + 110, आई होप आपने इधर +110 + 110 लिखा है, मुझे तो करंट ईयर से मतलब है. तो 3 + 110 आई थिंक 410, एम आर आई? 410 एलओपी है ना मानसी, तो लिमिट तो है नहीं, तो पूरा 410 लेंगे हम. वो आप जरा प्लीज यहाँ पर लिख दीजिएगा. तो
तो 410 आपका इंटरेस्ट ऑन लोन हो रहा है, तो मैं यहां 410 लिख रहा हूं, 410,000. बट आया मजा. आई रिपीट माई सेंटेंस. मैंने शायद गलती से LOP बोल दिया, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन. इट इज SOPR, ऑफकोर्स वी नो इट वेरी क्लियरली. क्योंकि SOPR है तो लिमिट अप्लाई होगी. तो भाई साहब 410 तो आप नहीं लिख सकते. तो अब सवाल उठता है कि 2 लाख लिखेंगे कि 30. 2 लाख आप लिखोगे अगर कंडीशन पूरी होगी तो. लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए हाँ है. लोन 1-2 उसके बाद है हाँ है. 5 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए हाँ है. कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे मिलेगा मैक्स 2 लाख. तो जो आपने यहाँ 410 लिखा है उसके बाद में आप यहाँ लिखोगे मैक्स 2 लाख. आई होप यू नो दैट. तो 2 लाख इज द लिमिट. लिमिट में रहो बाबा. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो ये आपका आंसर भी माइनस 2 लाख रहेगा. वेरी गुड. अब रही बात टैक्सेबल IFHP की, तो आप टैक्सेबल IFHP अभी लेकर आओगे. कैसे लाओगे आपको मालूम है. ये दोनों को आप यहाँ पर सेंटर में ले लोगे और आपको टैक्सेबल IFHP मिल जाएगा. Anybody can tell me taxable IFHP, please tell me the amount. कोई तो बोलो यार. 29 में से 2 गया ना. 27, 73, 600. आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो भाई. परफेक्ट, वेरी गुड. 27, 73, 600. Perfect. You are going very good. That's very nice. Okay. Let us go for one more question. माना हमने house property बहुत किया है class में practice. बहुत सारे problem किए. Homework भी आपने किया है. RTP भी आप go through किए हो. Past paper भी go through किए हो. But कुछ और problem तो practice करना चाहिए ना. अपने को live अपन कर रहे हैं तो. Of course time को ध्यान रखते हुए. और मैं बहुत सारा time भी नहीं लूंगा. बहुत कम time भी नहीं लूंगा. एकदम balance approach रखेंगे. एक और मैं करना चाहता हूँ question. पेज 12 नवंबर 18 का क्वेश्चन है. पेज 12 नवंबर 18 मैं आपके साथ फाइल शेयर किया हुआ हूँ या आप स्क्रीन से डायरेक्ट देख सकते हैं. नो इश्यूज. क्वेश्चन 3A पेज 12 चाहिए. पेज 12 आजा भाई. पेज 12 आ गया. पेज 12 में क्वेश्चन 3A दिशा खन्ना. वसुधा आपकी कजन सिस्टर है दिशा खन्ना. ओके देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ. रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो हम देख रहे हैं कि मोस्टली हर पेपर में हाउस प्रॉपर्टी हमको दिख रहा है. तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन 3A नवंबर 18 पेज नंबर 12. बाप रे बाप. रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है. ओन्स हाउस प्रॉपर्टी भिवानी हरियाणा. बड़ी खुशी हुई. अपने गांव का नाम लिखने की जरूरत थी. चलो ठीक है. जय भिवानी गाँव, जय हरियाणा. म्यूनसिपल वैल्यू दिया है, फेरेंट दिया है, स्टैंडर्ड इंडिया है. पूरा फॉर्मेट जाएगा. प्रॉपर्टी लेट आउट है अप्रैल से दिसंबर तक. तो अप्रैल से दिसंबर होंगे 9 मंथ्स. बाद में टेनेंट ने वैकेट कर दिया है प्रॉपर्टी और मिसेस दिशा खन्ना ने उसको सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज किया है. इतना इजी नहीं है भाई. क्वेश्चन में स्वैग है. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. लेट आउट 9 मंथ्स है और उसके बाद घर खाली है. ठीक है तो 3 मंथ्स वैकेंट. अब जो 9 मंथ्स वैकेट लेट आउट है उसमें क्या लफड़ा है. दिशा खन्ना अच्छा ठीक है आगे सर. रेंट फॉर 2 मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज. हमने क्लास में भी किया. टोटल जो 9 मंथ्स है ना पूरा सीन मेरे सामने आ रहा है. उस 9 मंथ्स में भी 2 मंथ्स क्या है UR. टेनेंसी बोनाफाइड है. अरे बाप रे पहली बार ऐसे देख रहा हूं मैं. बट द डिफॉल्टिंग टेनेंट वाज इन ऑक्यूपेशन ऑफ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसोसिएट पेइंग रेंट रेगुलरली. देखा एग्जाम में वो लोग कुछ भी पूछेंगे. अब यहां जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं थियोरी वही आंसर कर सकते. यू हैव टू बी मास्टर ऑफ इनकम टैक्स. आता है किया है से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू बी मास्टर होना चाहिए. जैसे कहते हैं ना स्विमिंग पूल में उतरना है तो खाली दूसरे को देख के मालूम पड़ जाएगा हाथ पैर मारेंगे तो स्विमिंग आएगा. नहीं पानी में उतरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पूल का पानी पीना पड़ेगा, बावड़ी कुएं का पानी पीना पड़ेगा. सेम यहां पर ये UR होते हुए भी UR नहीं ट्रीट किया जाएगा बिकॉज ये पागल ने कंडीशन नहीं पूरी. क्योंकि टेनेंट जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी में रह रहा था ओनर. तो ये UR होते हुए भी UR नहीं है. इसका मतलब ये हम लेट आउट पूरा 9 मंथ्स जो है
वो पूरा पीरियड का लेट आउट 9 months लेंगे. 12 months नहीं दीपक, 9 months. मुझे मालूम था तुम 12 बोलोगे. 9 months, 3 महीना तो एसओपी आ रहा है ना भाई, उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है. तो इसका मतलब ये 9 months लेट आउट हुआ और 3 months एसओपी आर हुआ. आई रिपीट, जो 9 months में 2 months यूआर है, वो यूआर होते हुए भी यूआर नहीं है, इसलिए मैं पूरा 9 बोल रहा हूँ. आप पेंसिल से साइड में बॉक्स बना सकते हो, मैंने बताया था एक रेक्टेंगल बनाने का. 9 months एलओपी, 3 months एसओपी आर. वेरी गुड. अच्छा, वैकेंसी वगैरह तो नहीं है ना? नहीं. तो आप इसको पूरा एलओपी लोगे और रेंट कितने महीने का लोगे? कम ऑन, आई एम आस्किंग यू, रेंट 12 मंथ्स का लोगे कि 9 का? 9 का. 7 का तो सवाल ही नहीं उठता, जो बात हो गई है. ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स 12% है, ठीक है, भर देंगे. 12% किसका यार? म्युनिसिपल टैक्स अगर परसेंटेज में दिया हो तो क्या करना है, भूल गए क्या आप? म्युनिसिपल वैल्यू का. वेरी गुड. और क्या है भाई? इंटरेस्ट 35 है. रिपेयर्स के लिए लिया था, रिपेयर्स के लिए लिया था. क्या मस्त उल्लू बनाना है अपने को ये. अब पब्लिक क्या सोचेगी? रिपेयर्स है 30,000. ऐसा नहीं है भाई साहब. प्रॉपर्टी क्या है? एलओपी है. एलओपी में रिपेयर्स के लिए लिया तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब पूरा 35 मिलेगा बराबर, क्योंकि प्रॉपर्टी एलओपी है, एसओपीआर है ही नहीं. वो एसओपीआर तो 12 महीना एसओपीआर होता है जब होता है. आई होप यू रिमेंबर. वेरी नाइस क्वेश्चन, जिसने भी सेट किया उसको सलाम है मेरा. बेसिक क्वेश्चन है, बट उसने वो सारी चीजें कवर की है जहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं फटाफट. आप ये आप खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको यहां से सिर्फ क्या बोलते हैं हेल्प कर दूंगा. मैं तो कैलकुलेटर पे आंसर ले आऊं. मैं क्या, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप भी कैलकुलेटर पे आंसर ला सकते हैं. एक काम करते हैं, कैलकुलेटर पे आंसर लाते हैं. चलो मजा आएगा, फिर आप घर पे होमवर्क कर लो. म्युनिसिपल वैल्यू 750, फेरेंट 630, तो हायर 750 है. सोल्यूशन आप होमवर्क पे कर सकते हैं, मैं आंसर देता हूँ. स्टैंडर्ड रेंट 720 है, तो लोअर 720 आए, 720 याद रखना. एक्चुअल रेंट 75 × 9, 675. 720 और 675 तो हायर हुआ 720. कैन यू टेल मी जीएवी कितना होगा? 720. वेरी गुड. यस, 720 याद रखो, कैलकुलेटर पे लिख के रखो. म्युनिसिपल टैक्स 12% पूरे म्युनिसिपल वैल्यू का. म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी भाई? 750 थी. 720 याद रखो, 750. दो कैलकुलेटर रखने का अच्छा रहता है. वैसे मेमोरी फंक्शन यूज कर सकते हैं. वेल परसेंट म्युनिसिपल टैक्स 90,000 हो रहा है, तो 720 जो आपका जीएवी है उसमें से 90,000 माइनस करोगे, 630 आया. अब 30% में से स्टैंड डिडक्शन काट दो, 30% 1×9 होता है, तो 441 आया. कम ऑन, दिमाग तेज चला, 441 आया और इंटरेस्ट पूरा 35 मिलेगा. कौन मुझे पहला आंसर बताएगा? कम ऑन, उसको चॉकलेट मिलेगी. फाइनल आंसर है, आप इंटरेस्ट ऑन माइनस करो 35, 4,06,000. आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट 4,06,000 बाजू में, एंड यू कैन इजिली डू इट. आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट ऑन योर ओन. मैंने पूरा डिस्कस करा दिया है, 4,06,000 इसका आंसर. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है. वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस. सो बेसिकली राइट है ना मम्मा, 3 months SOPR, 9 months LOP, to be taken as LOP. SOPR current होता ही नहीं है मम्मा. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपके? वेल सो लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ. तो हाउस प्रॉपर्टी पे हमने कुछ 3 प्रॉब्लम किए और बहुत प्रॉब्लम पहले कर चुके हैं, तो इसका इश्यू नहीं है. और लेटेस्ट वाले 4 पेपर मैंने ऑलरेडी RTP में कवर भी किए हैं, एंड नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर नाउ. तो आप सैलरी टॉपिक के लिए हम आएंगे, और सैलरी टॉपिक का मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी नोटबुक भी ओपन कर सकते हैं. जो हमारे ऑलरेडी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे. साथ में मैं ये रिवीजन शीट भी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, और हम कुछ बातें करेंगे. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. न्यू शेयर, रिवीजन थियरी. ओके, स्क्रीन शेयर आजा भाई मेरा. ओके, आर यू रेडी? वेरी गुड. Now, salary topic, as you know, is a technical topic. It's not a tough topic. It's a technical topic.
स्पेशली परक्विजिट्स वगैरह और ग्रेचुटी पेंशन वगैरह, बट अगर आपके फॉर्मूलाज क्लियर है तो सैलरी एक्चुअली वेरी स्कोरिंग टॉपिक है. मुझे पता नहीं बट ये फैक्ट है कि लोग सैलरी को बहुत टफ मानते हैं, सैलरी में मिस्टेक्स करते हैं, सैलरी में रॉन्ग करते हैं, बिकॉज उनके फॉर्मूलाज वगैरह क्लियर नहीं है, या तो उनको कहाँ पर डाउट्स है, मतलब क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट्स की, उसकी वजह से डाउट आता है एंड सो. सो आई थिंक न्यू स्क्रीन शेयर हो गया है, तो हम आगे चले. एवरीवन, आपके स्क्रीन पे सैलरी आ गया होगा. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. यस अमान, पूरा न्यूमेरिकल है वो हिसाब से याद करना होता है. ओके, यस मोहम्मद, यू आर राइट. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ. सैलरीज आपके पास आपकी नोटबुक भी है और रिविजन शीट भी रेडी है, बट पहले मैं कुछ बेसिक्स बात करूंगा सैलरी में. ऑफकोर्स एज यू नो सैलरी टॉपिक में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन पूरा मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होगा तो ही सैलरीज में इनकम आएगी. सैलरीज में और बहुत सारी बातें भी हैं. ऑफकोर्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की मैंने बात की. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है तो सैलरी हेड में नहीं आएगा. मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशन एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड. जैसे हमने बात की थी कि अगर एक क्या बात की थी हमने यार, हाँ, कॉलेज का एम्प्लॉई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के लिए पेपर सेट करता है तो जो उसको पेपर सेटिंग फीस मिलती है क्या वो सैलरी हेड में आएगी? कम ऑन टेल मी फास्ट. नहीं, अदर सेल में जाएगी क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में. एक बिजनेस का पार्टनर को सैलरी मिलती है, वर्किंग पार्टनर है वो, उसको सैलरी मिल रही है, नाम सैलरी है, बट क्या वो सैलरी हेड में आएगी? नहीं, क्योंकि वो बिजनेस में पार्टनर है, बिजनेस इनकम में आएगी. अच्छा, एमपी एमएलए को सैलरी मिल रही है, क्या वो सैलरी हेड में आएगी? नहीं, वो भी अदर सेल्स में जाती है बिकॉज अगेन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है. ओके, अच्छा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है. एम्प्लॉय को जो भी साल में एम्प्लॉयर से मिला है वो एक स्टेटमेंट बनाएगा, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. अगर वो पूरा 12 मंथ्स एम्प्लॉयमेंट में, 12 मंथ्स है, कम है तो कम है एज द केस में भी, राइट? जैसे लेट ज्वाइन किया या जल्दी रिटायर हुआ या जो भी. बेसिक सैलरी का पहले मैं कुछ तो ओरली बोल देता हूँ. बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है, हमने स्टेटमेंट में बनाया था. बेसिक अलाउंस, बोनस, कमीशन, एडवांस, अरियर्स, प्रोविडेंट फंड, परक्विजिट, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव, सैलरी बोन, रिटायरमेंट, कमीशन, ट्रेनमेंट, कमीशन, प्रॉफिट, लीव ऑफ सैलरी, अवार्ड फॉर एम्प्लॉयर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. कोई बात नहीं, आराम से करते हैं. बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है. अगर नेट हुआ तो आपको ग्रॉस करना है. ग्रॉस करने के लिए आप जो भी लेस हुआ वो क्या करोगे? ऐड करोगे. आई होप यू रिमेंबर. अलावेंसेज आपको याद होगा. अलावेंसेज हमने चार्ट भी यहां पर रखा है, क्लास में भी हमने चार्ट बनाया था. कोडवर्ड मैंने आपको बताया था. अगर वो टीसी उधर है, ये वाले जो आएंगे नाम ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको, तो आर माइनस एस, रिसीव माइनस स्पेंड. इन अदर वर्ड, जितना स्पेंट है उतना एग्जेम्प्ट होगा. ट्रैवलिंग, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, डेली हेल्पर, रिसर्च, सेक्शन 1040. अगर वो TC3H है तो आर माइनस एफ होगा. यहाँ टेबल में भी है. HRA भी हम अलग से बात करेंगे. TC3H, ट्राइबल एरिया, कम्यूटेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल, HRA. ट्राइबल एरिया 200 है मैक्स, चिल्ड्रन एजुकेशन मैक्स 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्स 2 चिल्ड्रन, रुपए 100 के ऊपर नहीं, बच्चे 2 के ऊपर नहीं. चिल्ड्रन हॉस्टल 300 पर मंथ पर चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन. कम्यूटेशन, जिसको ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ये देखें 3200, ऑर्थोपेडिकल, हैंडीकैप या ब्लाइंड के लिए है. और HRA के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, थोड़ी देर में, जस्ट वेट. अदर देन दैट, TC3 उधर और TC3H को छोड़ के कोई और अलाउंस होगा, इधर एग्जाम्पल दिए हैं, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा. अमाउंट स्पेंड नहीं देखना है, बार बार मैं याद दिलाता हूँ, अमाउंट स्पेंड सिर्फ टीसी उधर में देना है. तो ये पूरा 3 घंटा आपको फुल दिमाग लगाना है. आप एकदम ऐसे वातावरण में बैठे हो जहाँ फुल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. ओके, वेरी गुड. अच्छा, HRA की बात कर ही लेते हैं. सेक्शन 1030 में एग्जेम्पशन है इसका. लिस्ट ऑफ 3 अमाउंट, मेट्रो सिटी अगर है तो 50% ऑफ सैलरी, नॉन मेट्रो है तो 40%, प्लेस ऑफ रेसिडेंस. सैलरी में बेसिक डीए इन टर्म्स, टर्नओवर कमीशन, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, व्हिच एवर इज लोअर. कुछ याद आ रहा है? एम आर आई. अच्छा, अगर उनमें से कोई चीज चेंज होती है तो अकॉर्डिंगली अलग अलग पीरियड का कैलकुलेट करते हैं, वैसा क्वेश्चन भी हमने लिखा था. वेरी गुड, यस. अच्छा, तो अलाउंसेस की कुछ मैंने बात की, प्रॉब्लम हम देखेंगे इनको. बोनस रिसीव टैक्सेबल है, ड्यू या रिसीवेबल है तो इग्नोर है. कमीशन ऑलवेज टैक्सेबल है, ये सब एम्प्लॉयर से आपको जो भी मिला है. एडवांस सैलरी टैक्सेबल है. अरियर्स ऑफ सैलरी भी टैक्सेबल है. अच्छा, एडवांस सैलरी टैक्सेबल है, बाकी कोई एडवांस टैक्सेबल नहीं. एडवांस सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी है, टैक्सेबल है.
और कोई एडवांस है, एडवांस फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, एडवांस फॉर सन्स मैरिज, सब इग्नोर है क्योंकि वो लोन हो जाता है। अर्नियर्स ऑफ सैलरी जो पहले डिस्प्यूट में थी, जब वो इनकम नहीं हुई, आज डिस्प्यूट से लोगों के पैसा मिला है तो आज वो करंट ईयर में टैक्सेबल है। आई होप यू रिमेंबर बेसिक अलाउंस बोनस कमीशन एडवांस अर्नियर्स। अब आता है प्रोविडेंट फंड। तो पहले छह छोटे छोटे थे, अलाउंस का तो टेबल मैंने दिखाया आपको, अब मैं आपको प्रोविडेंट फंड याद दिलाता हूँ। देखिए टेबल हमारे यहाँ स्क्रीन पे भी है और नोटबुक में भी है, स्क्रीन पे भी है और नोटबुक में भी है, और सॉफ्ट कॉपी मैंने शेयर कर ली है, आप उसे अपने लैपटॉप या मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एस पी एफ, आर पी एफ, यू पी एफ, चार चीजें होती है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट, और जब रिटायरमेंट होता है तो लंप सम ड्यूरिंग द ईयर, पहले तीन चीज और रिटायरमेंट में लास्ट। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एसपीएफ बताता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इग्नोर, आपको मालूम है तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। एग्जेम्प्ट, 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 इसका टाइम है। आरपीएफ, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन तो इग्नोर ही होना है, लमसम एग्जेम्प्ट होना है 10-12 में। रही बात एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की, प्रॉब्लम करेंगे आज हम, 12% मैक्सिमम एग्जेम्प्ट है सैलरी का। सैलरी में तीन डैश मुझे बताओगे आप, बेसिक के साथ दो चीज क्या लोगे, आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू आंसर, कौन सी दो चीज और लोगे, बी ए इन टर्म्स एंड टर्न ओवर कमीशन। बी आपको मालूम है दो प्रकार के होते हैं, इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स, दोनों टैक्सेबल होते हैं, बट यहाँ पर हम इन टर्म्स लेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, हम अज्यूम कर सकते हैं इन टर्म्स लो लेंगे। डी ए इन टर्म्स को डी ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी एंड डी ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट भी कहते हैं, आई होप यू रिमेंबर। अच्छा इंटरेस्ट का एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट का कितना है कुछ याद आ रहा है, 9.5%, वेरी गुड। अच्छा यूपीएफ में ये इग्नोर है, ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन जब लमसम मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, और रिटायरमेंट पे जब आपको लमसम मिलेगा तो उसके चार पार्ट्स होंगे, हमने क्वेश्चन क्लास में किया है, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, मालिक का कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा इंटरेस्ट, मालिक का इंटरेस्ट। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर, मेरा ही पैसा है वो, मालिक का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल है सैलरीज, मालिक का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है सैलरीज, और जो मेरा इंटरेस्ट है वो अदर सोर्सेस टैक्सेबल। आई होप यू रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए हैं, वेरी गुड। फातिमा अंसारी, डू यू रिमेंबर दिस, ओके। उसके बाद प्रोविडेंट फंड के बाद ग्रेच्युटी पेंशन लीव सैलरी में पहले कवर करता हूँ, फिर पब्लिक पे जाते हैं। वैसे आपको याद है बट फिर भी आपके सामने टेबल मैंने बना के रखा है, और क्लास में भी हमने इसका चार्ट बनाया था, हर टाइप के चार्ट्स हमने क्लास में बनाए हैं, तो उसमें भी टाइम तो लगता है, लेकिन वो बनाना भी जरूरी था इसलिए टाइम भी लगता है वो हिसाब से। ग्रेचुटी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वैसे बाय द वे इट इज एग्जेम्प्ट अंडर 10-10, यू नो दैट, लिखा नहीं है बट वी नो दैट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट है, होगा एम्प्लॉय लीस्ट ऑफ 3 मंथ, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट 20 लाख, व्हिच एवर इज लेस। सैलरी में आप नेटिस सैलरी लोगे, बेसिक लोगे और डीए लोगे, बोथ। नंबर ऑफ इयर्स में आप राउंडिंग ऑफ करोगे, राउंडिंग ऑफ तो होगा में ही होगा, होगा 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 में ही होगा, अगर फ्रैक्शन 6 मंथ्स के ऊपर है, ये आपको याद रहेगा, और 15/26 का भी मैंने आपको बताया था क्यों होता है ऐसा। रही बात अदर एम्प्लॉय की, ये 20 लाख और अमाउंट रिसीव तो सेम है, रही बात फॉर्मूला की, या आप हाफ या 0.5 लोगे, सैलरी लोगे लेकिन वो एवरेज होगी लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। ये एवरेज का टेंशन आप जब लोगे जब सैलरी अगर क्वेश्चन में चेंज है, हमने क्वेश्चन में किया, एग्जाम क्लास में किया है। सैलरी में तीन डैश लोगे, लिखा हुआ है बेसिक, डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, डीए इन टर्म्स, ठीक है, चाहे तो यहां लिख देता हूं, जैसे मालूम है आपको, इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन, और नंबर ऑफ इयर्स में राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। लेट अस से अदर एम्प्लॉय की बात करता हूं, क्वेश्चन में दिया है 20 इयर्स एंड 9 मंथ्स के बाद रिटायर हुआ, आई रिपीट अदर एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, 20 इयर्स एंड 9 मंथ्स, तो क्या लोगे, 20 इयर्स ही लोगे। अच्छा यही एग्जाम्पल मैं पोगा में लिखता हूं, अगर एग्जाम में दिया है पोगा 20 इयर्स एंड 9 मंथ्स, तो नंबर ऑफ इयर्स में मैं कितना लूंगा, 21, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। लीव सैलरी भी आपको मालूम होगा, पहले पेंशन करता हूं यार, पहले पेंशन, ग्रेचुटी पेंशन, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंशन, जिंदगी और जिंदगी के बाद स्वर्ग, जब तक आप नौकरी पे थे आपको सैलरी मिल रही थी, अब नौकरी के बाद आपको मिलेगी पेंशन। अगर आपको एक साथ लमसम अमाउंट मिलता है तो उसको कमिटेड बोलते हैं, और अगर आपने बात की है बॉस के साथ कि मुझे पर मंथ देना आप, तो उसको बोलते हैं अनकमिटेड, अनकमिटेड नहीं, अनकम्यूटेड। जो अनकमिटेड पेंशन होती है, एज यू नो अनकमिटेड
का मतलब मंथली मंथली पार्टली पार्टली टुकड़ा टुकड़ा इट इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कोई भी. मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे एमसीक्यूज में भी आता है. एक बंदा 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है, उसकी मंथली पेंशन 10,000 फिक्स हुई है, करंट ईयर के लिए कितना टैक्सेबल होगा? कम ऑन, करंट ईयर के लिए 10,000 इंटू 3. संजय 12 मंथ्स कहां से आया? संजय 3 मंथ्स लेंगे ना हम लोग, जैन फेब मार्च, 30,000 फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट. अच्छा, रही बात कमिटेड पेंशन की, लमसम गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट 10-10A. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय दो बातें हो सकती है, हमने क्लास में पढ़ा है, ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही है. मिल रही है तो 1/3 ऑफ द टोटल पेंशन, नहीं मिल रही है तो 50%. एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, वो आप बात में चाहे तो ग्रोथ को थ्रू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. लीव सैलरी एनकैश ड्यूरिंग सर्विस फुल्ली टैक्सेबल है सबके लिए. और अगर रिटायरमेंट पे है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए माफ है, 10-10AA अगर आपको सेक्शन याद आ रहा है तो. नॉन गवर्नमेंट के लिए लीस्ट ऑफ 4 अमाउंट है, देखते किसको कितना याद है, आप चाहे तो अपनी नोटबुक पे देखें चाहे तो स्क्रीन पे देखें. लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, 10 मंथ इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड रुपीज 3 लाख, व्हिच एवर इज लोअर. एवरेज सैलरी पर मंथ में आप तीन चीज लोगे, बेसिक पर मंथ, डीए इन टर्म पर मंथ, टर्नओवर कमीशन पर मंथ, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट. परफेक्ट. लीव क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करोगे? लीव अलाउड माइनस लीव टेकन. लेकिन ध्यान रखना है कि लीव अलाउड मैक्सिमम 1 मंथ के ऊपर नहीं चलेगा, अगर ज्यादा है तो 1 मंथ लेना है या 30 डेज. और दूसरी बात, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मंथ, नंबर नहीं फ्रैक्शन ऑफ मंथ इग्नोर करना है, बराबर है? ये दो बात मैंने कही थी, नोट भी लिखाई थी, एग्जाम्पल भी कराए थे लीव क्रेडिट के. आई होप यू रिमेंबर. लेट्स यू स्मार्ट, आई वॉन्ट यू टू गिव मी डायरेक्टली लीव क्रेडिट का आंसर ओरली. एक आदमी है 20 years और 9 months के बाद रिटायर हुआ, 20 years और 9 months, हर महीने उसको 1 महीना लीव मिलती थी, हर साल उसे 1 महीना लीव मिलती थी, लेकिन वो आधा महीना लीव लेता था. ही यूज टू गेट 1 month लीव पर ईयर, बट ही यूज टू टेक 1/2 month लीव. गेट मी लीव क्रेडिट. पहली बात तो 20 years and 9 months का आप 20 years ही लोगे, 1 month मैंने बोला हूँ तो लिमिट में है, इंटू 20 is 20 months, माइनस 1/2 into 20 is 10 months, मतलब लीव क्रेडिट इज सीधी बात, नो बकवास, आई थिंक 10 months. वेरी गुड, ऐसे दिमाग चलना चाहिए, दैट्स वेरी गुड. प्रॉब्लम देखेंगे हम, परक्विजिट्स बहुत डिटेल में है, हमने यहाँ आपको मैंने लिस्ट भी दिया है परक्विजिट्स की, और टैक्सेबिलिटी के चार्ट्स भी बनाए हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे, और क्लास में भी हमने बनाए हैं. तो पहले मैं परक्विजिट्स की कुछ बात करता हूँ. एज फार एज क्लासेस नोटबुक इज कंसर्न, जरूरी नहीं कि मैं उसी ऑर्डर में बोलूँ, ऑर्डर तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं अपने दिमाग से बोलता हूँ, कुछ बाकी रह गया तो आप मुझे हेल्प आउट कर देना. परक्विजिट्स क्या होते हैं? पर्सनल बेनिफिट्स जो एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉय के लिए और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए पर्सनल बेनिफिट्स. ये मॉनिटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं. पहचानते हम ऐसे हैं, पेड बाय एम्प्लॉयर, रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, फ्री, फैसिलिटी प्रोवाइडेड, इस तरीके से पहचानते हैं. कुछ परक्विजिट्स माफ है और कुछ टैक्सेबल है, इनकम टैक्स रूल्स है उसके लिए, रूल 3 वगैरह. माफ है तो उसमें भी कुछ फुल्ली माफ है, कुछ पार्टली माफ है. टैक्सेबल है तो उसका टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट, उसके लिए इनकम टैक्स रूल्स ने बताया हुआ है, रूल 3 एंड सो ऑन. तो ये बात बेसिक्स हुई, अब देखते हैं रूल्स क्या कहते हैं. मैं कुछ नाम लेता हूं, आई होप यू विल बी रिमेंबरिंग. रिफ्रेशमेंट के बारे में इनकम टैक्स रूल कहता है, फ्री रिफ्रेशमेंट. देखो मैं कभी फ्री वर्ड बोलूंगा, कभी पेड बाय एम्प्लॉयर बोलूंगा, कभी रीइंबर्स बोलूंगा, लेकिन प्रोवाइडेड बोलूंगा, इनमें से ही कोई वर्ड बोलूंगा, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट परक्विजिट. रिफ्रेशमेंट का जहां तक सवाल है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, वेरी गुड. कंप्यूटर लैपटॉप यूज के लिए दिया है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है. लंच वगैरह अगर है तो 50 rupees पर मील है, आई होप यू रिमेंबर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज वगैरह.
इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल है, प्रोफेशन टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल है. जब मैं टैक्सेबल कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ तो जो अमाउंट है वो ही टैक्सेबल होगा. आई होप यू रिमेम्बर या होता है. फ्री राशन टैक्सेबल है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट है, पेड रिमबर्स. बट ये बात भी याद रखना है कि वो एसएससी बीएसपी के लिए होना चाहिए. आई होप यू रिमेम्बर. सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर पेरेंट याद है. मेडिकल फैसिलिटी की जहां तक बात करूं, अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, अगर अदरवाइज हुआ है तो टैक्सेबल है. आई होप यू रिमेम्बर. कुछ नहीं दिया तो हम यही मानेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल है और टैक्सेबल होगा. ये हुआ अगर ट्रीटमेंट इंडिया में है. अगर ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर है तो अलग से हमने पूरा चार्ट बनाया, ट्रीटमेंट स्टे और ट्रैवल विच यू कैन गो थ्रू. वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट मैं बताऊंगा कि आपको उसको एक बार गो थ्रू करना. अगर एजुकेशन फैसिलिटी की बात करें, उसका ही टेबल याद है आपके सामने भी है. अगर एम्प्लॉय के लिए एजुकेशन है, ट्रेनिंग वगैरह सेमिनार वगैरह एग्जेम्प्ट है, उसके बच्चे वगैरह या उसके रिलेटिव के बच्चे वगैरह जो है बहन भाई के बच्चे एंड सो ऑन, तो या तो स्कूल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड और मेंटेन बाय स्कॉलर है, सॉरी ओन्ड और मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, या उसका अरेंजमेंट है एम्प्लॉयर का स्कूल के साथ, और या तो अदरवाइज. अगर ओन्ड और मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है या अरेंजमेंट है तो एग्जेम्प्ट है. अगर एम्प्लॉय खुद के बच्चे हैं तो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड. आई होप यू रिमेम्बर 1000 पर मंथ पर चाइल्ड. और अगर अरेंजमेंट नहीं है तो फिर ये 1000 का एग्जेम्पशन नहीं होगा. अच्छा, ये तो एग्जेम्प्ट अमाउंट है, लेकिन पब्लिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है वो भी रिमेंबर. अमाउंट जो भी एम्प्लॉय ने इनकर किया है माइनस 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, अगर उसके बच्चे हैं तो सब्जेक्ट टू एग्जेम्प्ट स्टूडेंट, माइनस अमाउंट रिकवर. आई होप यू रिमेंबर. अगर यही उसके बहन भाई के बच्चे वगैरह है तो 1000 माइनस नहीं करना है, बाकी फॉर्मूला सेम है. कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, चार्ट में देख सकते हो आप. आई होप यू रिमेंबर. 1000 पर मंथ माइनस कब करेंगे? उसके खुद के बच्चे होंगे तो. याद आ रहा है? ओके, वेरी गुड. अच्छा, कुछ और बात सुनो. अगर एम्प्लॉयर, लेट मी आस्क यू, एम्प्लॉयर स्कॉलरशिप देता है बच्चों के लिए तो क्या होता है? फोर मेंबर्स, लेट मी सी. स्कॉलरशिप भूल गए क्या? तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा. स्कॉलरशिप सेक्शन 1016 में फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा. अच्छा, एम्प्लॉय के एडुकेशन के लिए खर्चा किया, सेमिनार वगैरह, कम ऑन, वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा. वेरी गुड. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी. आपको याद है हमने चार्ट वगैरह बनाया था. अगर ओन सोर्स है तो परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल है. पीवी जब मैं बोलता हूं मतलब टैक्सेबल होता है. पीवी परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ऑफ कोर्स लेस अमाउंट रिकवर्ड, याद होगा आपको. और अगर आउटसाइड सोर्स से है तो अमाउंट इनकर्ड लेस अमाउंट रिकवर्ड, यहां थ्योरी में भी दिया हुआ है. अच्छा, लेट्स सी. इंटरेस्ट फ्री लोन के बारे में मैंने बात की थी. अगर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए है तो पीवी नील है, 20,000 तक है तो पीवी नील है. और रही बात कोई और केस अगर है तो मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स. लेकिन जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे तो वो डिफरेंस होगा एसबीआई रेट एंड एम्प्लॉयर्स रेट. मैंने एग्जाम्पल दिया था, एम्प्लॉयर हमारे से 6% ले रहा है जबकि एसबीआई 8% लेती है. एम्प्लॉयर बोलता है तू अपना ही आदमी, तेरे 2% कम देता हूँ मैं, तो 8 की जगह 6, तो 2% हमारे लिए परक्विजिट का इंटरेस्ट रेट हुआ. 2% इंटू नंबर ऑफ मंथ्स इंटू अमाउंट, ऑफकोर्स जितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ होगा. हमने कई एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं, यू मे गो थ्रू द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव डन, और प्रॉब्लम में आगे आएगा. अच्छा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट में आप चाहे तो चार्ट देख सकते हैं, आपकी नोटबुक आपके हाथ में अगर है तो, नहीं भी है तो यहाँ स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं. अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो नील है, उसके लिए फैमिली वालों के लिए यूज करने के लिए. अगर अदर एसेट्स है तो या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या हायर्ड है. अगर ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट है, और हायर्ड अगर है तो एक्चुअल रेंट है. ऑफकोर्स जो अमाउंट रिकवर्ड है वो तो लेस हो गई. ये बात आई होप यू रिमेम्बर. याद आया कुछ? देखे साहब लिखा हुआ यहाँ पर. अगर यही एसेट अगर सेल करता है, ट्रांसफर या सेल करता है, मैंने चार्ट बनाया था सीएमओ. सीएमओ सी से था कंप्यूटर लैपटॉप, एम से था मोटर कार, और ओ से था अदर एसेट्स. कंप्यूटर लैपटॉप में क्या करना है, हमें परक्विजिट वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना है.
ओरिजिनल कॉस्ट जो उसकी थी, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50%। बिजनेस इनकम में कितना डेप्रिसिएट है मैं वो नहीं बता रहा हूँ ना पूछ रहा हूँ, हम पॉपुलर के हिसाब से जा रहे हैं। 50% फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ एसेट, फिर आपको WDV मिलेगा और उसमें से आप सेलिंग प्राइस लेस करोगे, जो डिफरेंस है वो पॉपुलेट होगा। आई होप यू रिमेंबर। यही अगर मोटर कार हुआ तो आप डेप्रिसिएशन 20% लोगे। याद रहे कंप्यूटर और मोटर कार दोनों में जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, मेथड डेप्रिसिएशन WDV होगा। और यही बाकी अदर एसेट्स अगर होंगे तो आप 10% लोगे और मेथड कौन सा होगा, SLM होगा। आई होप यू रिमेंबर दिस। ये सारी बात हमारी की हुई है, देख लेते हैं हम लोग कुछ बातें जो हम कर रहे हैं, अपने माइंड में क्लियर रखना है आपको, ये अच्छी बात है। एजुकेशन की मैंने बात की, इंटरेस्ट की बात की, कार का हमने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, आपको याद होगा कार का चार्ट आपके दिमाग में आई होप सो ताज़ा है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है और आपको अच्छी तरह मालूम है कि कहाँ पर क्या है। हल्का रिकैप देता हूँ, माइंड में पूरा चार्ट है, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर की कार है या एम्प्लॉय की कार है, तीन पार्ट मैंने आपको बताए थे, या तो ऑफिस यूज या प्राइवेट यूज या पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, देखते किसको याद है। ऑफिस यूज नॉट अ परक्विजिट, प्राइवेट यूज मैं पहला पार्ट बोल रहा हूँ, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर का एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अमाउंट इनकर्ड लेस अमाउंट रिकवर्ड। और पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट में आपको याद होगा फिक्स्ड अमाउंट था, डू रिमेंबर फिक्स्ड अमाउंट, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है ना, 600 पर मंथ अगर 1.6 लीटर तक है, 900 पर मंथ अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है, और अगर ड्राइवर है तो अलग से 900 पर मंथ आएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा, वेरी गुड। अच्छा यही कार ये देखें ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉई की अगर होगी, इतना डिटेल में पूरा चार्ट नहीं पढ़ना है आपको क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको शॉर्ट में बनाया था, तो उसमें भी ऐसा ही है बट थोड़ा सा फॉर्मूला वेरी करता है। अगर ऑफिस यूज है तो नॉट अ परक्विजिट, प्राइवेट यूज है अमाउंट रिकॉर्ड लेस अमाउंट रिकॉर्ड, और अगर पार्टी ऑफिस प्राइवेट पार्टी प्राइवेट है, मैं एम्प्लॉय की कार है बात कर रहा हूँ, तो अमाउंट लेस कार लेस ड्राइवर हमने ऐसा किया था, लेस रिकॉर्ड। याद आया कुछ, यस वेरी गुड, बराबर, यस होता है ऐसी कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो आई होप यू रिमेंबर दैट, क्योंकि मैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा इसमें, और ये पूरा मगअप चार्ट है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अच्छा परक्विजिट में कुछ और सोचो अगर बाकी है तो, छोटे मोटे मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स बताया, प्रोफेशन टैक्स बताया, राशन बताया, LIC प्रीमियम बताया, मेडिकल इंश्योरेंस का बताया, एडुकेशन का बताया, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बता दिया, सेल ऑफ एसेट बता दिया, यस वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये तो मैं भूल ही गया यार, थैंक यू वेरी मच, अभी याद दिलाता हूँ, मैंने टेबल भी बनाया है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ उसके टेबल्स। आजा भाई मेरे दोस्त, कहाँ है तू, आ जाएगा डोंट वरी, इधर गया। हमने वैसे तो अलग से क्लास में पूरा कवर किया हुआ है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। बताऊँ, रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन रेंट, हाँ है ना, ये क्या यार पूरा बनाया हुआ ऐसा थोड़ी ही नहीं बना। लेट्स सी, रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, ये बड़े वाले रह गए, रिवाइज कराता हूँ। देखो भाई, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लाइसेंस फी, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है दो बातें हो सकती है, या तो पूरा चार्ट बनाया क्लास में हमने, ओन्ड और हायर्ड बाय, सॉरी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हायर्ड बाय, अगर ओन्ड है तो PV क्या होगा, टैक्सेबल पॉपुलेशन के हिसाब से आएंगे, हमने तीन पार्ट किए, 10 लाख तक की पॉपुलेशन है 7.5, 10 लाख टू 25 लाख की पॉपुलेशन है 10% ऑफ सैलरी, अबाउट 25 लाख की पॉपुलेशन है 15%। अच्छा अगर भाड़े पे लिया हुआ है तो लीस्ट ऑफ टू अमाउंट्स, एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी, आई होप यू रिमेंबर। और अगर ये होटल अकोमोडेशन, ये तो एकदम अलग था लेकिन बता देता हूँ, चलो होटल का भी अभी बता देता हूँ, वैसे होटल का बाद में आने वाला है अलग से, ठीक है ना, होटल का अगर है तो 24% है और एक्चुअल अमाउंट है, ठीक है, वो आपने होटल अलग से किया था या यहाँ भी देख सकते हो। अच्छा इसमें मेन बात मालूम क्या है, सैलरी कैसे लगेगा, इसमें सबसे बड़ी बात है सैलरी कैसे लाने का, क्या मानसी, हाउ कैन यू मेक सच अ मिस्टेक मानसी, ऐसी मिस्टेक करोगे तो मर जाएंगे एग्जाम में मानसी, ऐसा नहीं करना है। सैलरी इंक्लूड्स बड़ा भक्कम, ऐसे भूल जाएंगे तो मर जाएंगे एग्जाम में, बड़ा भक्कम, बेसिक डी इन टर्म अलाउंस टू द एक्सटेंट टैक्सेबल, बोनस कमीशन
एंड एनी अदर अमाउंट एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स एक्सक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्लूडिंग एनी लमसम बेनिफिट लाइक ग्रेचुटी पेंशन लीव सैलरी. कुछ याद आया? बड़ा बक्कम. और हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, बड़ा बक्कम इज अ कोड वर्ड. यस, डीए सिर्फ इन टर्म, नॉट इन टर्म नहीं. दीपक व्हाट आर यू डूइंग, भूल गए क्या? ओके वेरी गुड. वो सब लेना है, प्रॉब्लम हमने बहुत की और आएगा, आज रिविजन में भी आएगा. अच्छा, यही अगर आपको आरएफयू आ गया तो आगे आ जाएगा. आरएफयू है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. अभी हम बात करते हैं रेंट फ्री फर्निश्ड की. पहले आप आरएफयू की वैल्यू लाओगे और उसमें ऐड कर दोगे पीवी ऑफ फर्नीचर, और वो आपको अच्छी तरह मालूम है पीवी ऑफ फर्नीचर कैसे ऐड करना है. देखो लिखा हुआ है, अगर एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, जितने महीने यूज किया है एम्प्लॉय ने, और अगर हायर्ड है तो हायर चार्जेस. और यही अगर कंसेशनल है, मतलब अगर बंदे से पैसा वसूल किया गया है तो जो रेंट रिकवर्ड है वो लेस हो जाएगा लास्ट में, नो इश्यू. रेंट फ्री अनफर्निश्ड, रेंट फ्री फर्निश्ड, रेंट फ्री अनफर्निश्ड कंसेशनल, रेंट फ्री फर्निश्ड कंसेशनल. कंसेशनल से डरने का नहीं है, खाली लेस कर देने का. और होटल, आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस, वेरी गुड. देखो लिस्ट भी बनाया, बड़ा बक्कम की लिस्ट भी बनाया मैंने यहाँ पर, और क्लास में भी हमने लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिखा हुआ है. चलो ठीक है. सो परक्विजिट्स में मेरे हिसाब से मेरा दिमाग ये कह रहा है कि अब जाके बोल सकता हूं कि सब कवर हो गया मोर ऑर लेस. ओके, उसके बाद और भी कुछ बातें हम सैलरी टॉपिक में किए हैं, ग्रेचुटी पेंशन लीव सैलरी हो गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट शॉर्ट में बोलूंगा मैक्सिमम 5 लाख है, रिट्रेंचमेंट भी आपको मालूम है, थोड़ा फॉर्मूला भी है उसमें, मैक्सिमम 5 लाख है. हाँ, छोटी छोटी एक दो और है मोहम्मद, ऐसी बात नहीं है. एलटीसी को मैंने अलग से कवर किया था, उसके बारे में भी याद दिला देता हूँ, या तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी जर्नी एयर से है या रेल से है या अदर मोड से है, एयर से है. इकोनॉमी फेयर एयर, इकोनॉमी फेयर ऑफ द प्लेन और अमाउंट स्पेंड विच एवर इज लेस. एलटीसी का एग्जेम्पशन 10(5) में है, रेल से हुआ तो फर्स्ट क्लास एसी फेयर है, ये सब हमको याद है. अच्छा, एक बात मैं बता रहा हूँ उसमें एलटीसी में, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये एलटीसी का एग्जेम्पशन किसको अवेलेबल है? हस्बैंड को है, वाइफ को है और बच्चों के लिए है, लेकिन मैक्सिमम 2 ही बच्चे. कुछ याद आ रहा है? 1/10/98 ये डेट मैंने बताया था, या उसके बाद अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो सिर्फ 2 बच्चे होंगे अलाउड, होंगे एलिजिबल होंगे फॉर एग्जेम्पशन. लेकिन अगर फर्स्ट बच्चे के बाद ट्विंस आए थे तो वो भी पूरा एग्जेम्पशन ले सकते हैं. याद आया? Any multiple birth after the first child shall be counted as one child. I hope you remember. आज प्रॉब्लम में आने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसा प्रॉब्लम मैं आज कवर करने वाला हूँ. Very good. Very good. अच्छा, other than that, profit in lieu of salary theory है, जहाँ पर compensation due to modification in terms and conditions of service वगैरह fully taxable होता है profit in lieu of salary. बेसिक अलाउंस, बोनस, कमीशन, एडवांस अरेस्ट, पॉइंट फंड, पॉकेट ग्रेच्युटी, पेंशन लीव सैलरी, वन टू मैन रिटायरमेंट अवार्ड अगर एम्प्लॉयर से मिला फुली टैक्सेबल है. अदर देन दैट, आप टोटल करोगे तो आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा. प्रॉफिट लीव सैलरी का भी इधर में लिखा है, की मैन वाला पैसा भी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट लीव सैलरी में आता है. ग्रॉस सैलरी के बाद डिडक्शन आता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 एडवांस प्रोफेशन टैक्स एंड डिडक्शन. एडवांस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, एडवांस फर्स्ट इंक्लूड देन डिडक्शन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को खाली इंक्लूड तो सबके लिए होता है. लीस्ट ऑफ प्री अमाउंट 1/5 ऑफ बेसिक एक्चुअल अमाउंट ऑफ 5,000. प्रोफेशन टैक्स जो भी भरा है वो डिडक्शन मिलता है. आई होप यू रिमेंबर. तो ये कुछ बातें हमने थ्योरी की, बट प्रॉब्लम्स भी आना चाहिए. और भी कुछ बातें हैं, जैसे एक पे स्केल आज फॉर्म दिखाऊंगा मैं उसका, 2 एम्प्लॉयर हुए तो दोनों का टोटल करके ग्रॉस सैलरी लाते हैं, ये बातों का भी ध्यान रखना है. बाकी थियरी क्लियर होना चाहिए, स्पेशली ज्यादातर आपको प्रॉब्लम पॉपुलेट्स पे मिलते हैं, अलाउंस भी आता है, और कई बार अलग क्वेश्चन ग्रेचुटी पेंशन वगैरह पे लीव सैलरी पे भी आते हैं. बेसिकली अगर आपके फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो आप यहाँ मिस्टेक नहीं करोगे, लेकिन अगर आपके फॉर्मूलाज वीक है, नंबर्स याद नहीं है, अमाउंट याद नहीं है, ओनली गॉड कैन हेल्प यू. तो नाउ एक ब्रीफ दिमाग में हमने रिकैप किया. On this, hope that you have done this topic. Remember, this is a brainstorming revision session, super revision. So, मैं मान के चलता हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है. मैंने आपको एकदम एक
माइंड में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही है. तो नाउ लेट अस डू प्रॉब्लम सैलरी. सैलरी के प्रॉब्लम बड़े होते हैं बट काफी टाइम है हमारे पास. नॉन स्टॉप हमें चलना है मोहम्मद. खेल शुरू होता है अब. फर्स्ट क्वेश्चन हम जो सैलरी का लेंगे, लेकिन मेरा मन एक बात कह रहा है, मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा, मैं चाहता हूं पहला मैं 3-4-5 मिनट आपको सैलरी के कुछ क्वेश्चन पूछता हूं ओरली. मैं भी तो चेक करूं आपको कितना आता है सैलरी, फिर प्रॉब्लम चालू करता हूं. चलो स्टार्ट. ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन स्टार्ट्स नाउ. अगर ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो कितना एग्जेम्प्ट होती है? ये सब एमसीक्यू में घुमाते हैं वो लोग. और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बहुत बढ़िया एमसीक्यू की पूरी बुकलेट बनाई है, जो मैंने आपसे पहले ही बात कर ली है. फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है. लीव सैलरी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना है अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो? लीव सैलरी में अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन मैक्सिमम कितना है? अमान यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. 20 लाख कहां से आया? आंसर इज 3 लाख. वेरी गुड. ट्रांसपोर्ट अलाउंस में अगर ऑर्थोपेडिक के लिए हैंडीकैप वगैरह है वो बंदा, तो कितना एग्जेम्पशन आर माइनस एफ हम बोलते हैं फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा. TC3H आपको बताया था कोड वर्ड मैंने, 3200 पर मंथ. वेरी गुड. अगर क्वेश्चन में बोनस रिसीवेबल दिया है तो क्या करना है? बोनस रिसीवेबल इग्नोर, इनकम ही नहीं. एडवांस फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर दिया है, एडवांस फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर दिया है, इग्नोर. कमीशन दिया है, फुल्ली टैक्सेबल. वेरी गुड. लमसम फ्रॉम आरपीएफ, कम ऑन गाइस, पूरा इंडिया हमें दिख रहा है. लमसम फ्रॉम आरपीएफ एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% एग्जेम्प्ट. ओके. फ्री रिफ्रेशमेंट परक्विजिट फुल्ली एग्जेम्प्ट. अच्छा ये तो भूल ही गया था मैं. गिफ्ट इन काइंड और गिफ्ट वाउचर 5000 एग्जेम्प्ट, ऊपर टैक्सेबल. अभी इंस्टीट्यूट क्या है ना, क्योंकि वो सर्कुलर क्लियर नहीं था, तो कुछ ऑथर्स या कुछ जगहों पर इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया है, 5000 के ऊपर है तो पागल लोग फुल्ली टैक्सेबल ले रहे हैं. ऐसा नहीं, हर जगह नहीं किया, कुछ जगह. तो हमने जो क्लास में किया वो एब्सोल्युटली राइट है. 5 के ऊपर है तो 5 छोड़ना है, ऊपर का पार्ट टैक्सेबल करना. यही बात लंच में भी है, 50 रुपये छोड़ना है, ऊपर का पार्ट टैक्सेबल करना. यही बात बच्चे के एडुकेशन में भी है, 1000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड छोड़ना है, ऊपर का पार्ट टैक्सेबल करना. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और मैंने क्लास में बोला एक बार, ठीक है. एक दो सवाल और पूछ रहा हूं. प्रोफेशन टैक्स अगर एम्प्लॉयर भरेगा तो क्या करना है? पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है? प्रोफेशन टैक्स अगर एम्प्लॉयर भरेगा, कम ऑन, पहले टैक्सेबल करना है एज अ प्रोविजिट और बाद में नीचे डिडक्शन लेना है. ठीक है. LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, LIC प्रीमियम, मानसी LIC प्रीमियम का बताओ प्लीज. फर्स्ट टैक्सेबल होगा और टैक्सेबल ही होगा, डिडक्शन है ही नहीं उसका अलग से. इट्स अ टैक्सेबल परक्विजिट, आई होप यू रिमेंबर. और मैं सैलरी के संबंध से बात कर रहा हूँ, टोटल इनकम की हम अभी बात भी नहीं कर रहे. वेरी गुड. अच्छा देखा जाए तो 5 पेपर्स में सैलरी के क्वेश्चन बहुत बार आए और आते ही है. बेसिकली एक क्वेश्चन आपको सैलरी का मिलता ही है. तो लेट्स गो गाइस फॉर सैलरीज. सैलरीज के क्वेश्चन हम करते हैं. मान लो 6 मार्क्स का और हाउस प्रॉपर्टी मान लो 4 मार्क्स का, तो आपका 60 मार्क्स में से 10 मार्क्स का आज रिवीजन हो जाता है अप्रोक्सीमेटली. बाकी टोटल इनकम में तो आता ही है मिक्स, उसमें भाई कोई शक नहीं है, वो मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो. तो अब मैं आपके साथ सैलरी क्वेश्चन करने को तैयार हूँ. पहले मैं May 17 page number 3 पे आपको लेके जाऊँगा. पहले मैं शेयर कर लेता हूँ फाइल, न्यू शेयर, पेपर वाली फाइल ये रही. मैं से ये फाइल आपको अच्छी तरह सेव करके रखनी है, पेन ड्राइव में बैकअप लेके रखनी है, गुम गुम ना जाए. Page 3 May 17 सॉरी Page 2 question number 3
बाप रे, मिस्टर नाम्बी भाई, सैलरीड एम्प्लॉय, ये क्वेश्चन है और आपको सैलरी का आंसर लाना, 8 मार्क्स, ये मजे मजे 8 मार्क्स मिलेंगे भाई हमको, बराबर करेंगे तो हाँ, नहीं तो मरे। सी इंटर में 17 क्वेश्चन, लेट अस फर्स्ट डिस्कस। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, डीए फुल्ली टैक्सेबल, कमीशन तुम साथ में लिखो, चैट बॉक्स में आंसर लिखो, फुल्ली टैक्सेबल। एंट्रेंस फुल्ली टैक्सेबल, डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, ऑपोजिट है बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज करे तो नहीं बोला है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्या करेंगे इसका? फुल्ली टैक्सेबल। प्रोफेशन टैक्स, उसमें से आधा पैसा एम्प्लॉयर ने भरा, टोटल 7,000 है, उसका आधा 3,500 होगा, जितना एम्प्लॉयर ने भरा है वो परक्विजिट होगा, फर्स्ट टैक्सेबल, और बाद में जब डिडक्शन लेंगे तो पूरा 7 आएगा, बराबर है ना भाई साहब? वेरी गुड। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब मेडिकल इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर, फुल्ली एग्जेम्प्ट, परक्विजिट। LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल, परक्विजिट। लैपटॉप, इजी क्वेश्चन लग रहा है यार, अब पढ़े हैं तो सब इजी लगेगा। प्रोवाइड फॉर यूज एट होम, घर के लिए। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैपटॉप टू एम्प्लॉयर 30,000 है, चिल्ड्रन ऑफ असेसी भी उसका लैपटॉप यूज कर रहा है, तो करो ना भाई, कौन ना बोल रहा है, घर के लिए है ना, बात खत्म। लैपटॉप कंप्यूटर लैपटॉप घर के लिए है, बात खत्म। ऑफिस के लिए होता तो वैसे ही परक्विजिट नहीं होता, घर के लिए है बट फुल्ली एग्जेम्प्ट है, राइट? ओके। एम्प्लॉयर की खुद की कार है, टाटा नगर एम्प्लॉयर की कार है, जो लेस देन 1.6 लीटर है, जो बोले तो मेरे ख्याल से तो 0.16 लीटर भी नहीं होगी, जस्ट जोक मारो, वैसे सबूत कार। अच्छा, ऑफिस और पर्सनल यूज के लिए, ड्राइवर नहीं है। नाउ, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, मतलब फिक्स अमाउंट, 1600 cc से कम वाली कार है, नैनो पैनो टैनो जो भी होगी वो, मैं पूछता हूँ पीवी कितना होगा, फिक्स अमाउंट होगा? अरे भूल गए क्या, पर मंथ कितना होगा वो बोलो, 1800 पर मंथ, श्योर? यस, वेरी गुड, 1800 पर मंथ के हिसाब से हम लेंगे, तो 1800 into 12 क्यों, कुछ नहीं बोलते पूरा साल। एनुअल क्रेडिट कार्ड फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टैक्सेबल, परक्विजिट। ऑफिस यूज के लिए हुआ तो माफ होता है, वरना टैक्सेबल होता है, ये भी मैं रिवाइज कर रहता हूँ, अमाउंट इनकर्ड लेस अमाउंट रिकवर्ड। अच्छा, सेम में डोमेस्टिक सर्वेंट भी था, अमाउंट इनकर्ड लेस अमाउंट रिकवर्ड, आई होप यू रिमेंबर, डोमेस्टिक सर्वेंट, क्रेडिट कार्ड, ये बात भी की हमने क्लास में, अभी वापस कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्या बोला अभी, इज नॉट यूज फॉर ऑफिस पर्पज, अब ऐसे भी नहीं दिया तो ऑफिस पर्पज मानते भी हम, डिटेल भी नहीं है, चाहिए भी नहीं, क्या करना है, टैक्सेबल करना है, बराबर ना, फुल्ली टैक्सेबल, अमाउंट इनकर्ड लेस अमाउंट रिकवर्ड, रिकवर्ड तो है नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। ओके, बोलो ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, एक्सक्यूज मी, द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, मैं आपके साथ में सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करेंगे, मैं साथ में डिक्टेट करते रहूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेटर पे मत लाओ भाई, एग्जाम में पूरा पेपर कैलकुलेटर भी नहीं करना है, सॉल्व करना है। लेट्स मेक अ स्टेटमेंट, चलो मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स मेक अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ IFS, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, एवरीवन प्लीज मेक द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ IFS, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर आप अपने हिसाब से लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर यू कैन राइट अकॉर्डिंगली, और एग्जाम कौन सा है वो भी लिख सकते हैं। वेरी गुड, एक मिनट, स्क्रीन शेयर क्यों पॉज हो गया, जस्ट गिव वन सेकेंड, यस हियर इट्स, क्वेश्चन इतना सिंपल है, तुम लिखोगे मैं साथ में हेल्प कर देता हूँ, टाइम बचेगा, चलो स्टेटमेंट बना दिया, एकदम सिंपल फटाक से हो जाएगा। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, लिख दो आउटर कॉलम, 6 लाख, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, राइट ना,
बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल करेंगे, ओके ठीक है, आगे वन सेकेंड प्लीज, बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल हो गया, उसके बाद आगे क्या, डीएनएस अलाउंस फुली टैक्सेबल, टीए भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा, उसके बाद आगे क्या, बेसिक आ गया, डी आ गया, आगे सॉल्व करते जाना है आपको, यस वेरी गुड, थोड़ा सा पॉज हो गया था, लेट मी चेक, बराबर है, वेरी गुड, डीए के बाद कमीशन आउटर कॉलम फुली टैक्सेबल, कमीशन आउटर कॉलम फुली टैक्सेबल, आपको ही लिखना है अमान, मैं थोड़ी सोल्यूशन पूरा बताऊंगा, आपको ही लिखना है, एंड प्लांस फुली टैक्सेबल आउटर कॉलम, 8 मार्क्स फोकट में मिल रहे भाई, सिंपल क्वेश्चन एकदम, मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स फुली टैक्सेबल, शॉर्ट में लिखते जाओ, अमाउंट डालते जाओ, मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स फुली टैक्सेबल, अब नेक्स्ट प्रोफेशन टैक्स यहां आप लिखोगे पेड बाय एम्प्लॉयर 3500, चाहे तो ब्रैकेट में दिखा दो 7000 × 50% प्रोफेशन टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर जो होगा उतना टैक्सेबल होगा, हेलो हेलो, प्रोफेशन टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर राइट, हेल्थ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर डैश, कम ऑन कंटिन्यू, हेल्थ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर डैश, ओके, गिफ्ट वाउचर ये तो भूल ही गया यार अपन, 12,000 लेस एग्जाम 5,000 आउट ऑफ कॉलम 7,000, गिफ्ट वाउचर 12,000 लेस 5,000 आउट ऑफ कॉलम 7,000, ओके आई होप यू आर राइटिंग ऑन योर ओन, कॉपी नहीं करना है, एलआईसी प्रीमियम एज वी नो फुली टैक्सेबल, आउट ऑफ कॉलम जाने दो 34,000, LIC प्रीमियम आउटर कॉलम जाने दो 34,000, यूज ऑफ लैपटॉप बाहर डैश, शॉर्ट एंड स्वीट, पूरी कहानी नहीं लिख रहे, यूज ऑफ लैपटॉप बाहर डैश आउटर कॉलम में, पीवी ऑफ कार फैसिलिटी 1800 × 12, क्यों 1800 हम डिस्कस कर चुके, पीवी ऑफ कार फैसिलिटी 1800 × 12, परफेक्ट, 9,600 बराबर है, वेरी गुड, 9,600 8,012 सॉरी 21,600 21,600 सिली मिस्टेक 21,600 ऑब्वियसली 18×12 इज 21,600, अच्छा और कुछ है क्या भाई, देख लो, हाँ क्रेडिट कार्ड, पीवी ऑफ क्रेडिट कार्ड फीस, या खाली क्रेडिट कार्ड फीस लिखे तो भी चलेगा, पीवी ऑफ क्रेडिट कार्ड फीस आउटर कॉलम 2000 एम्प्लॉयर ने भरा है, इसके लिए परक्विजिट हो गया, पीवी ऑफ क्रेडिट कार्ड फीस आउटर कॉलम 2000, नाउ गाइस टेक योर कैलकुलेटर एंड यू शुड बी एबल टू गेट ग्रॉस सैलरी, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, एग्जाम में 8 मार्क फ्री में दे रहा है यार, एक एक मार्क काउंट हो रहा है, 8 मार्क मिल गए ऐश करो, बट कौन जो मिस्टेक नहीं करेगा, गिव मी द ग्रॉस सैलरी फटाफट, ग्रॉस सैलरी बोलो 10,66,000 बराबर है, प्लीज चेक इट, 10,66,000 वेरी गुड, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, प्लीज स्टार्ट, आगे बढ़ो, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पहले एंटेंट अलाउंस डैश आएगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है,
क्वेश्चन में एंटर अलाउंस है लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा डैश। दूसरा नाम प्रोफेशन टैक्स, अभी पूरा प्रोफेशन टैक्स मिलेगा, प्लीज टेल मी द अमाउंट प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन कितना मिलेगा, फुल 7000 मिलेगा, वेरी गुड। और तीसरा और क्या जल्दी बताओ, स्टैंडर्ड डिडक्शन ना यार, वो तो फिक्स है ना 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, वेरी गुड। अब ये दोनों माइनस करके आप फाइनल आंसर लाके दो मुझे, प्लीज एवरीवन यू हैव टू ट्राई एंड गेट मी द फाइनल आंसर। एक्सक्यूज मी, 10,09,600, प्लीज चेक इट आउट, 10,09,600। अब विश्वास नहीं होता ये इतना इजी 8 मार्क का क्वेश्चन, अपने एग्जाम में भी ऐसा आया तो मजा आ जाएगा, नहीं मजा क्या डांस करेंगे, बहुत ज्यादा डांस मत करना नहीं तो हम लोग पागल समझेंगे। 10,09,600 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, ओके यू आर गोइंग वेरी गुड, बिफोर टाइम चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार, थकना नहीं है, 3 आवर्स नॉन स्टॉप मिस्टर अमान। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 6 ये मैं साथ में, हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 6 ये नवंबर 17 का क्वेश्चन है, ये रहा जया, जया करके क्वेश्चन मिलेगा, मिला जया, ओके पहले हम इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे ले लेता हूं फिर हम आगे पढ़ेंगे या फिर पहले डिस्कस कर लेते। जया मार्केटिंग मैनेजर है, उसने कुछ पर्टिकुलर्स दिए हैं, बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल, DA 22 है लेकिन 30% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, ये भाई रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए क्या होता है, इन टर्म ना, तो 30% हुआ इन टर्म और बाकी हुआ नॉट इन टर्म, दोनों टैक्सेबल होंगे, अलग से दिखाएंगे। बोनस टैक्सेबल, अरे मर गए यार, क्वेश्चन भारी है भाई, लय भारी, मर गए, कुछ नहीं मर गए, दिमाग लगाना। Her employer has provided with accommodation on 1st April 20 at a concessional rent. Oh, bhai saab, rent free unfurnished concessional accommodation. Agar furniture hua to furnished ho jayegi. Dekhte, ye house lease pe hai. Ye jo company hai XYZ, isne lease pe liya. Jaya ne house occupy November se kiya hai, to proportionate months lenge. November, December, Jan, Feb, March, 5 mahine ka divide by 12 into 5. Bada bakkam karne ke baad. रिकवर 4,800 पर मंथ है, ठीक है, फर्नीचर शायद अभी तक तो कुछ नहीं दिया है, फर्नीचर नहीं, तो ये रेंट फ्री अनपनिश्ड कंसेशनल एकोमोडेशन, कितना बड़ा नाम है ना, तो पहले हम रेंट फ्री अनपनिश्ड की वैल्यू लाएंगे, रेंट फ्री अनपनिश्ड की वैल्यू, क्योंकि ये हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो पीवी का फॉर्मूला होता है 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज लोअर, याद है, हाँ, सैलरी में बड़ा बक्कम लेना है मानसी, बड़ा बक्कम भूलना मत। अच्छा, फिर जो वैल्यू मिलेगी उसमें से जो रेंट रिकवर्ड है वो लेस होगा क्योंकि कंसेशनल है, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमारा पीवी अमाउंट होगा, वो मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ये प्रॉम्प्ट करके दिखाऊंगा। अच्छा देखा, थ्योरी परफेक्ट है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, समबडी स्टॉप मी, नोबडी कैन स्टॉप मी। एम्प्लॉयर ने उसको गिफ्ट वाउचर दिया 8,000 ऑन हर बर्थडे, माफ होगा 5,000, बाकी 3,000, वो 18% उसकी सैलरी का बेसिक प्लस डीए आरपीएफ में डालती है और कंपनी भी इक्वल अमाउंट डालती है। गांव वालों, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ बेसिक डीए इन टर्न एंड टर्न ओवर कमीशन, याद आया, तो वो भी हम कर लेंगे जब सॉल्व करेंगे, वो टाइम पे मालूम पड़ जाएगा, बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। कंपनी ने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा एग्जेम्प्ट ऑपोजिट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्ट, ओके यहां तक तो हम पहुंच गए, एक मिनट, ओके फुल्ली एग्जेम्प्ट, यस। मोटर कार, क्या क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीड 1.6, बड़ी गाड़ी है लगता है, जो नवंबर से जया को दी गई है ऑफिस और पर्सनल यूज के लिए, कार ओन बाय एम्प्लॉयर पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट, पीवी इज इक्वल टू फिक्स अमाउंट,
क्योंकि ये 1.6 सीसी के ऊपर है तो अमाउंट मेरे हिसाब से मतलब लॉ के हिसाब से है 2400 पर मंथ। मानसी 1800 कहां से आया मानसी, व्हाई यू आर मेकिंग सो मेनी सिली मिस्टेक मानसी, ऐसा मत करो प्लीज। 2400 1600 सीसी के ऊपर है ना, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स आई थिंक 5 मंथ्स 2400 × 5 12000 फिक्स्ड अमाउंट। रिकवर खर्चा वर्चा वो सब देखने का नहीं अभी, आगे का बोला है रिपेयर रनिंग एक्सपेंस मेड बाय कंपनी नहीं लेगा, सेल्फ ड्रिवन मतलब ड्राइवर भी नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं दिया होता तो ड्राइवर होता नहीं मानते, तो ड्राइवर का अलग से नहीं है ठीक है। अच्छा एक्सपेंस वो ये गोज टू बाय ऑयल है क्योंकि फिक्स अमाउंट है, ये बात हम कर चुके। आपको सैलरी का आंसर लाना है, ओके जया दीदी का ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। 10 मार्क्स, ओ भाई साहब 10 मार्क्स इन आर पॉकेट अगर हम बराबर करें तो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 60 मार्क्स का इनकम टैक्स है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्या चाहिए। ओके सब रेडी, ओके चलो अब स्टेटमेंट बनाते हैं, साथ में सॉल्व करेंगे, लाइव सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एक पूरा पेज जाएगा, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर आप अपने हिसाब से लिख लें, फिर हम इसको लाइव सॉल्व करेंगे। रोज और कॉलम ना, कॉलम 3 रोज बना दो 15-20 और क्या ठीक है ये। इसको मैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी बना देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इधर आ जा भाई तू और ये भी आता है। लेट्स स्टार्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर आप लिख दोगे ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, पर्टिकुलर्स अमाउंट ओके। तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, टाइमिंग बुक्स डाल दी यहाँ पे भूल जाऊंगा ठीक है। तो आप पहले स्टेटमेंट बना लेंगे फिर इसमें आगे बढ़ेंगे ओके। गया वाला ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ओके रेडी स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होगा ये रहा फर्स्ट लाइन, बेसिक सैलरी 65 पर मंथ, सब लोग स्टार्ट ओके। नंबर 1 बेसिक सैलरी 65,000 मल्टीप्लाई बाय 12 है कि नहीं, 150 से ज्यादा क्वेश्चन हमने पूरे सिलेबस में सॉल्व किए भैया। अच्छा 65 × 12 कितना हो गया भाई, 7,80,000 डीए। अब डीए इन टर्म नॉट इन टर्म दोनों है, मैंने हमेशा पढ़ाते हुए कहा है कि दोनों अलग लिखोगे तो अच्छा है, बाद में टेंशन नहीं आएगा, तो अलग अलग लिख देते हैं, साथ में लिखोगे तो भी चलेगा, अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपन अलग अलग डीए इन टर्म अलग लिख देता हूँ, डीए नॉट इन टर्म अलग। 22,000 है उसमें से 30% इन टर्म्स, 22,000 × 30% × 12 कैलकुलेटर लगेगा यार, 30,000 × 12 22,000 तो 600 होगा, 79,200 आपका इनकम आ जाएगा। नंबर 3 डालना कोई भी नंबर, नंबर तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, नंबर का प्रॉब्लम नॉट इनकम। अब 22,000 का 70% जैसे बेसिक सैलरी का हाफ मार्क, डीए लिखा हाफ मार्क, ऐसे हाफ से ज्यादा नहीं है, हाफ बोल रहा हूँ बहुत है, तो पोस्टिंग का मार्क्स होता है अकॉर्डिंगली हमको मिलेगा, हमको तो फुल मार्क्स ही चाहिए, बट बोल रहा हूँ ये नॉट इन टर्म्स, वो हिसाब से पेपर चेक किए जाते हैं, उनको सजेस्टेड आंसर दिया होता है चेकिंग के लिए, प्रैक्टिकल पेपर में बेसिकली अलॉट किया जाता है हर स्टेप के लिए जो राइट है उसका मार्क्स दिया जाता है। अच्छा डीए के बाद कौन है यार, बोनस है फुली टैक्सेबल, बोनस 17,000 × 12 2,04,000 वेरी नाइस बोनस आ गया।
कौन है भाई? आ जाओ एक एक करके। आ गया भाई, आ गया। कैसे लिखते हैं? मैंने आपको बताया था पीवी, पीवी मतलब कॉम्पोजिट वैल्यू। अरे ये कहाँ जा रहा है यार? पीवी ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड कंसेशनल अकोमोडेशन। लेकिन ये आप अभी सॉल्व कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ये बड़ा बक्कम से कनेक्टेड है और बड़ा बक्कम अभी हमको मालूम नहीं है। मैंने ऑलवेज कहा है कि दिस हैज टू बी डन एट दैट। यस, वेरी गुड, बराबर। राइट, सही बात है। अच्छा, इसकी लाइन छोड़ देंगे हम लोग क्योंकि अभी कोई सॉल्व कर भी नहीं पाएगा इसको, बिकॉज रिमेनिंग थिंग्स आर कनेक्टेड विद दिस। अच्छा, गिफ्ट वाउचर 8,000, ये पूरा अकोमोडेशन का था, तो ये पैराग्राफ अभी पेंडिंग रहेगा। ये रहा गिफ्ट वाउचर, देखिए कोई मिस आउट नहीं हो जाए, कोई सेंटेंस बड़ा सवाल। पीवी ऑफ गिफ्ट वाउचर या डायरेक्ट गिफ्ट वाउचर लिखोगे तो भी चलेगा, पीवी नहीं लिखेंगे। अच्छा, पीवी लिख दूँ क्या? 8-5 लिख दूँ चलेगा क्या? बच्चों की तरह 8 फिर माइनस लेस एग्जाम्पल, ऐसा भी लिख सकते हो आप। 8-5 डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, या इनर कॉलम 8 लिख के -5 करके बाहर भी दिखा सकते हो। दोनों एब्सोल्युटली राइट है, दोनों का सेम मार्क्स मिलेगा। ओके, चलो आगे। आ गया यार, ये हो गया। आ गया भाई, आ गया। एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहा नहीं है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपी। क्यों ऐसा हो रहा है यार? वन सेकेंड प्लीज। ई वाई आर एस लिख दो, एम्प्लॉयर्स हो जाएगा। क्यू एन टी कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। पहले कॉन्ट्रीब्यूशन कितना किया वो इनर कॉलम लिखेंगे, बाद में एग्जाम लिखेंगे। कितना कंट्रीब्यूशन किया है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा लिखने का, मतलब वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसा कंट्रीब्यूट करता है। क्वेश्चन में दिया है 18% ऑफ सैलरी और बेसिक प्लस डीए बोला है 18% ऑफ सैलरी। अब मैं आपको पूछता हूं, 18% ऑफ बेसिक प्लस डीए बोला है, जो स्मार्ट है वो बताएंगे। बेसिक तो आपका 7,80,000 है। अब मैं आपको पूछता हूं कौन सा डीए, डीए इन टर्म नॉट इन टर्म के बोथ कौन स्मार्ट है? ये कंट्रीब्यूशन की बात है, एग्जेम्पशन की नहीं। कंट्रीब्यूशन में वर्ड डीए यूज किया है वसुधा, तो मतलब डीए दोनों है। लेकिन जब हम एग्जेम्पशन लेंगे उस टाइम पे हम सिर्फ वो डीए लेंगे जो इन टर्म होगा। क्यों, मजा आया? तो डीए बोथ 22,000 पर मंथ था, तो मैं इधर 22,000 × 12 लिख देता हूं ताकि आपको बाद में डाउट नहीं आए। फिर एक और तो जरा करके बताए, 22 × 12 आपका है 264 प्लस 780, तो इनर कॉलम में आपका आएगा 10,44,000 आई थिंक। 10,44,000 आएगा का 18%, यस आई एम सॉरी, 18% तो करना पड़ेगा यार। 187,920 इन द इनर कॉलम, परफेक्ट। अच्छा, ये इनर कॉलम है। अब आगे क्या करेंगे? लेस एग्जाम अप टू 12% ऑफ थ्री अमाउंट। अब यहां क्या लोगे? बेसिक। अब लोगे डीए इन टर्म्स। डीए इन टर्म्स कितना था हमने अलग लिखा है पहले से, 79,200। और टर्नओवर कमीशन शायद क्वेश्चन में नहीं है, नहीं टर्नओवर कमीशन वर्ड होना चाहिए क्वेश्चन में, नहीं है। आर वाई के नहीं आ रहा है, आर अनुराग राइट है आंसर। अच्छा चलो, या गोइंग गुड। आप इसको क्लोज करके यार 780 भाई साहब प्लस 79,200 × 12% 103,104 माइनस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सब पहुंच गए यहां तक।
अच्छा आगे क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं बहुत अच्छी तरह। भाई किधर है तू? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में क्वेश्चन का थोड़ा कौन रहेगा छूटक, बढ़ जा भाई। अजीब है। ओके आप सही है, वेरी गुड। अच्छा क्या है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ये रहा भाई, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये देखिए ये रहा, यहां तक हम पहुंच गए हैं कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस, उसके बाद कार वाला आएगा। नंबर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए नंबर 6 MIP लिख देता हूँ शॉर्ट में, इससे गड़बड़। 5 क्यों आया भाई बड़ी बड़ी? 6 MIP लिख रहा हूँ शॉर्ट में। अरे क्या हो रहा है, कुछ टेक्निकल एरर है, जस्ट गिव मी वन सेकंड। MIP पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड टीम बस जो भी है पेड 18 आउटर कॉलम डैश क्योंकि एग्जेम्प्ट है तो डायरेक्ट डैश डाल सकते हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से कार फैसिलिटी है, मोटर कार POPP है और एम्प्लॉयर की खुद की कार है और POPP है जैसे मैंने कहा, फिक्स्ड अमाउंट आएगा और कार भारी वाली कार है, 1.6 के ऊपर वाली कार है। तो इट वॉज कितना 2000 कितना बोला था आपने, भूल गए क्या? पर मंथ फिक्स होता है ना 2400 पर मंथ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, नवंबर से कार दी गई है तो ओनली 5 मंथ्स का आएगा 2400। PV ऑफ मोटर कार फॉर POPP पार्टी ऑफिस पार्टी कर। Excuse me. Use 12,000 आउटर कॉलम, 5 महीना कैसे आया? नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, नवंबर से कार दी है तो नवंबर से ही लेंगे, वेरी गुड। उसके बाद अभी और कुछ नहीं है, ग्रॉस सैलरी, लेकिन हम ग्रॉस सैलरी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें अभी वो PV ऑफ RFUA करना है, उसकी वर्किंग नोट दिखानी होगी। यहाँ मैं वर्किंग नोट दिखाता हूँ। वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ PV ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड कंसेशनल अकोमोडेशन, PV इज इक्वल टू 15% ऑफ सैलरी। लाइव सॉल्व कर रहे हैं, एकदम लाइव है, और जो भी एक्चुअल रेंट है जो एम्प्लॉयर ने भरा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाड़े की जगह है इसलिए तो ये फॉर्मूला लग रहा है, इन दोनों में से हम लेंगे विच एवर इज लोअर। आई होप यू रिमेम्बर विच एवर इज लोअर। इसमें से यार उस शेप्स में से कैसे पिकअप करने का, ये लीजिए इन दोनों में से विच एवर इज लोअर आएगा, पहले आपको बना दो ठीक है। अब सवाल ये है कि 15% ऑफ सैलरी जब आप लोगे तो सैलरी में क्या क्या लोगे? बड़ा बक्का, तो पेंसिल से मार्क करेंगे कि क्या क्या आएगा इसमें से। बड़ा बक्का माय हैव जस्ट रिवाइज, बेसिक आएगा, DA इन टर्म आएगा, नॉट इन टर्म नहीं आएगा, जो टिक आ रहा है उसके लिए मैं टी लिख देता हूँ ठीक है। टी मतलब टिक, तुम लोग टी मत लिखना, टिक मार्क टिक, ये नहीं आएगा तो इसको क्रॉस मार्क देता हूँ, सी फॉर क्रॉस। बोनस आएगा, बड़ा बक्का में आता है, कोई भी प्रोफिट नहीं आता क्रॉस, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता क्रॉस, कोई भी प्रोफिट नहीं आता क्रॉस। तो शॉर्टकट में बोलो तो तीन ही चीज आ रही है, बेसिक आ रहा है, टी एन टर्म आ रहा है और बोनस आ रहा है, एम आई राइट? 780 79200 एंड 2,04,000 ओके। बराबर है कि नहीं? प्लीज चेक, परफेक्ट, एकदम सही। बड़ा बक्कम की थियरी आपको याद होगी। अच्छा अभी ये ऐड करके आपको, अच्छा एक्चुअल एंड में लिख देते ना यार, एक्चुअल एंड कितना दिया है क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं। एक्चुअल एंड एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लिया है और एक्चुअल रेंट है किधर है यार,
ऊपर वाला पैराग्राफ है मेरा 12,000 फॉर्म। अच्छा याद रहे हमें नवंबर से मार्च और 5 मंथ्स का लेना है, ये मत भूलना। तो 12,000 इंटू 5 60,000। अच्छा ये भी आप जो दे रहे हो ये 5 मंथ्स का लेने वाले हो, आई होप सो, आई होप यू रिमेंबर दिस। ये पूरा बड़ा बक्कम जो है ये 12 मंथ्स का है, आपको ये नहीं भूलना है कि डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, याद है ना, राइट। ये जो सैलरी है तो 12 मंथ्स के डिवाइड बाय, या पूरा 15% करके भी डिवाइड बाय 12 टू 5 कर सकते हैं, बराबर ना, मैथमेटिकली वही आंसर आएगा आई होप सो, ठीक है। इसमें से दोनों में से जो लोअर होगा, ठीक है, लो कर लो बात, कोई बात नहीं। पहुंच गए सब लोग यहाँ तक, 5 मंथ्स लेना है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। आगे ये लोअर है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन, ठीक, PV इक्वल टू, चलो भैया जरा इसका 15% दे दो मुझे, पहले तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, 780 79 200 204 डिवाइड बाय 12 इंटू 5 इंटू 15% 66,450 है, कैसे 66,450 और 60,000 नीचे वाले लोग, सही बात है कि नहीं, परफेक्ट। क्या बड़ा क्वेश्चन है, पीवी ऑफ आरएफयूए 60,000। आप जो रेंट रिकॉर्ड है वो लेस होगा, लेस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, वो तो मालूम है एम्प्लॉई से तो रिकवर करेंगे। इससे कितना रिकवर किया था कंपनी ने, महीने का इससे बोला देखो तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा, एंड शी हैड टू पे, कहा गया भाई 4,800 पर मंथ, मतलब 5 मंथ्स मतलब 24,000 बराबर है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अब कितना बचा बोलो, पीवी ऑफ आर एफ यू सी ए 24,30,36,000 इसका आंसर आया, किसका, आर एफ यू ए का, परफेक्ट। ये 36 को हम ऊपर ले जाएंगे हमारी सैलरी हेड में, सैलरी के स्टेटमेंट में, आई मीन टू से, आजा भाई 36,000 इधर आजा, किधर है, क्या गया, किधर गया यार, अरे जगह तो छोटी थी ना, अच्छा ये रही रहा 36,000। ओके, अब ग्रॉस सैलरी लाने में कोई चिंता नहीं है, आपको ग्रॉस सैलरी लेके आना है, लेट्स सी कौन लाएगा ग्रॉस सैलरी, टोटल करो 1383816, very good, less deduction under section 16, end loss नहीं है, dash profession tax question में नहीं है, है क्या, नहीं इस क्वेश्चन में, डैश आप चाहो तो डायरेक्ट शेयर डिडक्शन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा ही डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, क्यों टाइम वेस्ट करें, 50,000 फाइनल आंसर बताएं प्लीज, टैक्सेबल आईएफएस
13 33 816, 10 marks in your pocket. Goje mein 10 marks. Wow. 13 33 816. So theory must, so problem zabardast. Concept clear, no fear, oh dear, happy new year. But खाली दो क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा भाई, तीन क्वेश्चन तो मिनिमम कराऊंगा, बाद में ट्रुकिंग कम में तो आएंगे, और साइंस स्ट्रिक्स भी पहले दिया हुआ है, वो भी आपने प्रैक्टिस तो किया ही है, होमवर्क प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हैं, क्लास वर्क किए हैं। क्वेश्चन 3A पेज 12 पे आना है दोस्त, पेज नंबर 12, क्वेश्चन 3A पेज नंबर 12, नवंबर 18 का क्वेश्चन। रिसेंट वाले मैंने ऑलरेडी साइंस स्ट्रिक्स में डाले हुए 1920 वाले सब, इसलिए मैं जो पहले साइंस स्ट्रिक्स में नहीं डाले हुए उनमें से ज्यादा करा रहा हूं। पेज 12। ओके एवरीवन रेडी, थक तो नहीं गए ना, वेरी गुड। कल भी 6 बजे का ही रखना है राइट, कल का टॉपिक याद है ना, कल कौन सा टॉपिक होगा, पहले तो टेस्ट होगा, 5 to 6 टेस्ट है आई थिंक सो राइट। पेपर में 5 बजे शेयर कर दूंगा आपके साथ, 5 से 2 मिनट पहले मैडम मैडम शेयर कर देंगे, मैं मैडम को सुबह दे दूंगा, वो शेयर कर देंगी पेपर, उससे पहले नहीं, और फिर बाद में 6 के बाद सोल्यूशन भी वो शेयर कर देंगी सोल्यूशन, लेकिन रिविजन लेक्चर के बाद फुर्सत में देखना, रिविजन लेक्चर में डिस्टर्ब मत करना। अच्छा बाय द वे कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मैं तो भूल गया, कल का टॉपिक, यस ओके चलो 6:15 to 9:15 कर देंगे, खुश तो मोहम्मद कल 6:15 to 9:15 करेंगे, 15 मिनट आप रेस्ट ले लेंगे। मुझे टॉपिक तो बताओ, पूरी टॉपिक कल हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस एंड इफॉस, ओके एज पर टाइम टेबल जो एकदम परफेक्ट है, तो बिजनेस एंड इफॉस हमारा कल का टाइम टेबल के हिसाब से है, इंक्लूडिंग थियोरी एंड इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स, वेरी गुड, कल हम बिजनेस इफॉस को टारगेट करेंगे, ओके हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, नो इश्यूज, ठीक है चलो। एवरीवन रेडी, आगे बढ़ते हैं, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट पेज 12 क्वेश्चन 3A, पेज 12 क्वेश्चन 3। अब कई पास्ट पेपर के क्वेश्चन जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने क्लासेस की नोटबुक अपनी क्लासेस के बुक में भी कवर किए हैं, जो लाइव हमने सॉल्व किए हैं क्लास में, कई होमवर्क बुक में है, होमवर्क बुक भी आपने सॉल्व किया है। हाँ क्या यार, पेज 12 ये रहा, नाम क्या है, दिशा, दिशा करके क्वेश्चन 3A, यस ये रहा दिशा खन्ना, एंड ये तो हाउस प्रॉपर्टी का, अरे मैं भी पागल हो गया सॉरी, सैलरी का चाहिए ना। पेज 13 क्वेश्चन नंबर 5, पेज 13 सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस क्वेश्चन, हाँ यही है, जनक राज, जनक राज भाई जिंदाबाद, क्वेश्चन नंबर 5 पेज 13, ओ माय गॉड, ये नवंबर 18 का क्वेश्चन है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। जनक राज जनरल मैनेजर है, बेसिक सैलरी नवंबर तक 70 थी, उसके बाद 80 है फुली टैक्सेबल, पहली वाली 70,000 into 8 और ये 80,000 into 4 मंथ्स ना बाबा, सैलरी लास्ट डेट पे ड्यू होती है, वो तो मालूम ही है, कुछ नहीं है तो लास्ट डेट पे ही ड्यू होती है। डीए 50% ऑफ बेसिक है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब नॉट इन टर्म्स है, ध्यान रखना क्वेश्चन में बोला है नॉट इन टर्म्स, ठीक है फुली टैक्सेबल है, बट बोनस इक्वल टू 1 month सैलरी है, नवंबर में मिला था और बेसिक प्लस डीए फॉर दैट मंथ, तो नवंबर का जो बेसिक और डीए होगा वो ऐड करेंगे हम और वही हमारा बेसिक बन जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। नवंबर का बेसिक आपका 70,000 है और डीए 50% मतलब 35,000 होगा राइट, 70 plus 35 1,05,000 होगा आपका बोनस, एम आई राइट, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू आरपीएफ 18% ऑफ बेसिक है, एम्प्लॉय भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है गोज टू बाय ऑयल, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिक का 18% है, एग्जेम्पशन लेकिन 12% ऑफ बेसिक डीए इन टर्म और टर्नओवर कमीशन। प्रोफेशन टैक्स 6 है, उसमें से 3 एम्प्लॉयर ने भरा है, तो यू टेल मी 3000 टैक्सेबल, लेकिन डिडक्शन देते वक्त फुल 6000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लैपटॉप जनक राज को ऑफिस और पर्सनल यूज के लिए दिया गया, आदि मैं पढ़ूंगा ही नहीं, फुल्ली एग्जेम्प्ट पढ़ूंगा ही नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करूं, अगर यूज के लिए है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लीव ट्रेवल कंसेक्शन जनक राज उसकी वाइफ और 3 बच्चों को दिया गया है, एक बेटी है 6 साल की और 2 ट्विन बच्चे हैं 4 साल के,
दोनों 4 साल के हैं, दूसरे का एज मत ढूंढना, दोनों ट्विन है ना। अच्छा, सबके लिए माफ होगा क्योंकि पहली बेटी के बाद ये दो बच्चे पैदा हुए, ट्विन्स हुए। एयर टिकट इकोनॉमिक क्लास 20,000 अडल्ट का है और 25,000 बच्चों का है। जनक राज को जो एग्जेम्पशन मिलना चाहिए वो मिलेगा क्योंकि ये इसको इतना पैसा मिला है और ये एयर ट्रेवल है और ये इकोनॉमिक क्लास भी दिया है, तो इसने पूरा स्पेंड किया है, इसका मतलब पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीन बच्चे हैं तो भी एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि जो बाद के दो बच्चे हैं वो ट्विन्स थे, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट सेक्शन 10 पॉइंट। थियोरी परफेक्ट होनी चाहिए। आगे 6 मार्क का, यार मार्क्स कम है, चलो कोई बात नहीं, 6 मार्क तो 6 मार्क। अब हम इसको लाइव सॉल्व करेंगे। एवरीवन, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मिस्टर जनक राज। सब रेडी है? वेरी गुड, ओके। तो मैं क्या पूछ रहा था, 5 to 6 टेस्ट है, उससे पहले लेक्चर भी है क्या कुछ? ये हो गया था कि 4 o'clock तक के कुछ है? आई डोंट नो, आई एम आस्किंग दिस। नहीं है लेक्चर, नहीं है तो फिर टेस्ट 5:45 to 6:45 करो ना, और 6 o'clock का लेक्चर रहने दो, बराबर बराबर है कि नहीं? ऐसे ही रखते हैं, वो बेस्ट है, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, 4:45 to 5:45 टेस्ट रख लेंगे और 6 o'clock को लेक्चर रख लेंगे। 6 o'clock को मत डिस्टर्ब करो, है ना, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। चलो मैं ग्रुप में डाल दूंगा बाद में, डोंट वरी, पेपर ऊपर सब रेडी है। तो 4:45 to 5:45 का टेस्ट रहेगा, प्लीज रिमेम्बर दैट। हाँ, फिर 5 o'clock को लॉग इन मत होना, पहले ही बोलो, मैं बाद में आज लेक्चर के बाद ग्रुप में डाल दूंगा। राइट, ओके, यहां तक हो गया है, ओके, चलो आगे बढ़ सकते हैं। सब रेडी है ना? स्टेटमेंट बना लो पहले, बना दिया क्या? एवरीवन प्लीज मेक द स्टेटमेंट। क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा आपका सॉल्यूशन। यार पूरा ही डिलीट हो रहा है, ऐसा क्यों? वापस बना लेंगे, चलो कोई बात नहीं, ओके, यू कैन स्टार्ट नाउ, ऐसी बात नहीं है। एक काम करें क्या, तुम लोग इतने स्मार्ट हो, डायरेक्ट इतना स्टार्ट करो ना, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। चलो स्टार्ट। बेसिक सैलरी 70,000 × 8 एंड 80,000 चाहिए, तो 2 लाइन में लिखे थे, 80,000 × 4, कम ऑन। बेसिक सैलरी 70,000 × 8, 560 चाहिए तो इन अकाउंट में लिख सकते हैं, और 80,000 × 4, 320। आउटर कॉलम बेसिक सैलरी 8,80,000, एम आई राइट? बेसिक सैलरी आउटर कॉलम 880 पहुंचे कि नहीं भाई तुम लोग? बेसिक सैलरी आ गया सबको 8,80,000 इन द आउटर कॉलम। चलो नेक्स्ट, डीए 50% ऑफ बेसिक, डायरेक्ट लिखते ना, 880 का 50%, 4,40,000 आउटर कॉलम डीए। नोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये नोट है, बेसिक इज ड्यू ऑन पेड ऑन लास्ट डेट। वैसे भी हमको मालूम है सैलरी के हेड के हिसाब से, इट इज ऑलवेज अज्यूम दैट द सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। हैव यू फॉरगॉटन मिस्टर अमान, भूल गए आप? सैलरी ऑलवेज बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। कृतिन, By default, the concept is that salary always becomes due on the last date. That is what it is written. So, okay, fine. Thank you. No issues. Yes. अब next line लिखे, bonus D हो गया भाई सबका। अभी bonus संभाल क्या? November का basic, November का DA. तो November का basic है 80,000 और वही महीने का DA 50% 40 होगा, तो 80 + 40 लिख दो, outer column 120. बोनस 80 + 40 आउटर कॉलम 120 फुल्ली टैक्सेबल, एम आई राइट? परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। आगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इनर कॉलम
बेसिक का 18% अपना टोटल बेसिक कितना का है? 560. टोटल बेसिक 880 था, 880 का 18% इन अ कॉलम 158,400. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इनर कॉलम 80 नहीं था, नवंबर तक 70 था ना, तो 8 महीने का 70 हुआ ना. अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट बोनस. या सॉरी फॉर द सिली मिस्टेक. आई रिपीट अगेन, आपका बोनस 70 + 35. प्लीज मेक द करेक्शन अगर आपने गलती से लिख दिया है तो. ऐसा सिली मिस्टेक अवॉइड करना है. 70 + 35, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई रिपीट, अ सिली मिस्टेक हियर, नॉट 80, 70. फिर उसका आधा 35, 70 + 35, 1,05,000. आई रिपीट, प्लीज करेक्ट द बोनस. 70 + 35, 1,05,000 आउटर कॉलम जाएगा. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल. आई रिपीट वंस अगेन, 70 + 35 नवंबर का पगार और फिर उसका आधा डीए, 70 + 35. ओके, अभी हम लोग आ रहे हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. बेसिक का 18%, आपका बेसिक 8,80,000 था, उसका 18% 158,400. प्लीज चेक 158,400. ओके, 158,400. ओके, लेस एग्जेम 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म. लेकिन डीए टर्म आई नहीं, क्वेश्चन में साफ लिखा है नॉट इन टर्म है, तो डीए मत लेना. टर्नओवर कमीशन भी नहीं, डायरेक्ट बेसिक का ही लेना पड़ेगा. 12% ऑफ बेसिक हो गया, 880 का 12%, 1,05,600. 1,05,600 माइनस हो जाएगा 158,400 माइनस 1,05,600. आउटर कॉलम कितना आएगा बोलो? आउटर कॉलम कितना आएगा? कम ऑन, 52 के 53. मानसी कितना आंसर आएगा? 52,800 इन द आउटर कॉलम. 52,800 आउटर कॉलम में लिखो संजय. 52,800, इज इट राइट? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं. प्रोफेशन टैक्स, अभी अपना जितना पेड बाय एम्प्लॉयर है उतना लेना है, तो लिखो पीटी पेड बाय एम्प्लॉयर 3,000 आउटर कॉलम. रिडक्शन की बाद में करेंगे, वो पूरा मिलेगा, लेकिन अभी तो ऐड तो 3,000 होगा ना. पीटी पेड बाय एम्प्लॉयर 3,000 आउटर कॉलम. आई रिपीट, पीटी पेड बाय एम्प्लॉयर 3,000 आउटर कॉलम. पीवी ऑफ लैपटॉप आउटर कॉलम डैश नंबर 6 एडजस्टमेंट. पीवी ऑफ लैपटॉप आउटर कॉलम डैश, वेरी गुड. पीवी ऑफ लैपटॉप आउटर कॉलम डैश. अच्छा, अब एलटीसी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, पूरा माफ है. एलटीसी इन अ कॉलम 20 + 25, 45,000. लेस एग्जाम्ड अंडर 10-5, 45,000 बाहर डैश. एलटीसी 45, लेस 45 आउटर कॉलम डैश. एलटीसी पूरा माफ हो जाएगा. वेरी गुड, एलटीसी इनर कॉलम 45, लेस एग्जाम्ड अंडर 10-5, 45 बार डैश. प्लीज गिव मी ग्रॉस सैलरी एनीवन. नाउ यू हैव टू टोटल इट अप बिकॉज और कुछ नहीं बचा है. अब आपको मुझे ग्रॉस सैलरी लाके बताना है. 14,80,800, ये अपने आरटीपी वाली बुक में भी है ये क्वेश्चन, चलो प्रैक्टिस हो गया. 14,80,800, 1,480,800. लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, एम्प्लॉयर्स डैश, प्रोफेशन टैक्स 6,000, स्टैंड डक्शन 6,000, प्रोफेशन टैक्स 50,000. कम ऑन एवरीवन, कंटिन्यू द वर्क, कम ऑन यू कैन डू इट. ओके, आप माइनस कर दो
और फाइनल आंसर बताओ टैक्सेबल आईएफएस कितना आ रहा है. टेल मी द फाइनल आंसर टैक्सेबल आईएफएस कितना आ रहा है. एवरीवन आपका टैक्सेबल आईएफएस आएगा 14,24,800. प्लीज चेक. फातिमा, लविष्का, अनुराग, 14,24,800. इज इट परफेक्ट? तो यू कैन सॉल्व इट लाइक यू नो इन मिनट्स, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, थियरी पढ़ा है, रिवाइज भी हो गया, रिवीजन भी चल रहा है, कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रहे हैं, टाइम को भी कंसिड्रेशन में देख के चलना है. फिर भी हम 18 आवर्स के आसपास 15 आवर्स तो लाइव ले ही रहे हैं और बाकी टेस्ट वगैरह भी हैं. तो मानसी अभी आपके टेस्ट भी होते रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं, पढ़ा उसी का टेस्ट देना है, फिर पढ़ा फिर उसी का टेस्ट देना है. आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फिर बोल दो आंसर. 14,24,800. ओके, वेरी नाइस. सो जो प्लान था उतना हमने अचीव कर लिया 10 मिनट्स बिफोर टाइम. कल का हमारा प्लान है बिजनेस और इफोर्स. अब देखो बिजनेस में, खाली बिजनेस में क्वेश्चन बहुत कम ही लोग पूछते हैं, टोकिंग कम में पूछते ज्यादा. तो बिजनेस के प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कराऊंगा, जो पास्ट पेपर में से वो तो कराऊंगा, लेकिन खाली बिजनेस के बहुत कम मिलेंगे. तो हमारे पास काफी टाइम रहेगा, काफी तो नहीं लेकिन अच्छा खासा टाइम रहेगा. तो मैं साथ में सोच रहा हूँ रेसिडेंशियल भी कल हो सकता है, अगर हो पाया तो. 3 घंटा हम लेके चल रहे हैं, तो रेसिडेंशियल भी मैं कल कवर करने की कोशिश करूंगा. अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो जिस दिन है उस दिन हो जाएगा. तो कल, क्योंकि इफोस भी छोटा टॉपिक है आपको मालूम है, ये बिजनेस और इफोस के ना, बिजनेस और इफोस नहीं, कैपिटल के अलग से 3 घंटा है. बिजनेस और इफोस के ज्यादा क्वेश्चन आपको टोटल इनकम के साथ ही मिलते हैं, ज्यादातर टोटल इनकम में मिक्स मिलते हैं. सो कल हम बिजनेस, इफोस और टाइम रहा तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी देख लेंगे, वो भी छोटा ही, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स. टोटल इनकम के प्रॉब्लम तो अभी नहीं ले सकते क्योंकि टोटल इनकम हमको लास्ट में करना है. ओके, थियरी रिवाइज करेंगे और सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करेंगे, थियरी रिवाइज करेंगे, सिलेक्टेड प्रॉब्लम करेंगे. रेसिडेंशियल स्टेटस स्कोप भी वैसा ही है, वो तो बहुत सिंपल टॉपिक है, प्रोवाइडेड कि हमारे पास टाइम रहे. टाइम रहेगा तो वी विल कवर दैट ऑल्सो, नहीं रहेगा नो इश्यू. ओके, तो दैट्स वेरी गुड. तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. तो दिस वॉज द लेक्चर ऑन सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, अ सुपर रिविजन टू द पॉइंट एंड सम प्रॉब्लम्स. कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लेट अस मीट टुमारो. एज फार एज आर क्लास स्टूडेंट्स आर कंसर्न, लेवल क्लासेस के स्टूडेंट जो हैं अभी जो लाइव बैच में हैं उनको वापस बता देता हूँ, कल का टेस्ट 4:45 to 5:45 रखेंगे. मैं बाद में ग्रुप में ऑफिशियली डाल दूंगा, मैडम से बात कर लेता हूँ मैं. और 6 o'clock मैं यहीं पर आ जाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि इक्विपमेंट्स जो हमको चाहिए वो यहाँ क्लासरूम में अवेलेबल है. और 6 to 9 का हमारा एज ऑफिशियल जो लेक्चर है वो हो जाएगा. पेपर का सोल्यूशन आपको पेपर के बाद शेयर होगा, लेकिन आप पेपर का सोल्यूशन 9 o'clock के बाद देखेंगे. पेपर मैंने पूरा सेट कर दिया है, चेक कर लिया है, 2 questions सैलरी के हैं और 2 या 1 question हाउस प्रॉपर्टी का है, वो मैं नहीं बोलूँगा. 30 marks है, 1 hour है, वो हिसाब से मैंने क्वेश्चन डिसाइड किए. एक भी क्वेश्चन वो नहीं है जो हमने आज किया, ऑब्वियसली नहीं तो मतलब ही क्या. तो सी यू टुमारो. एवरीवन हैज टू गिव द पेपर, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट. And see you in the paper and later on in the revision. Same way, ये सारी books लेकर बैठना है, live बैठना है, environment ऐसा हो जहाँ full concentration कर सकें, कोई disturb ना हो. And thank you once again. Bye bye. See you. Take care. So I'm ending the meeting now. Thank you very much. Okay, bye everyone.